से 33। केसरिया में इटालियन पलटन का सतपति कर्नेलियस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्म परायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षादान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। उसने किसी दिन तीसरी पहर के लगभग एक दिव्य दर्शन में यह साफ साफ देखा कि ईश्वर का दूत उसके यहाँ आकर कह रहा है। कर्नेलियस ने उस पर आंखें गड़ाकर तथा भयभीत होकर कहा, महोदय बात क्या है? और स्वर्ग ने उत्तर दिया, आपकी प्रार्थनाएं और आपके भिक्षादान ऊपर चढ़कर ईश्वर के सामने पहुँचे और उसने आपको याद किया। अब आप आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुला लीजिए। यह चर्मकार सिमोन के यहाँ ठहरे हुए हैं। उसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जो उससे बात कर रहा था चला गया, तो कर्नेलियस ने अपने दो नौकरों और एक धर्मपरायण सैनिक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाकर योपे भेजा। दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट आ रहे थे, तो पेत्रुस दोपहर के लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। तब उसे भूख लगी और उसने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। लोग खाना बना ही रहे थे कि पेत्रुस आत्मा से अविष्ट हो गया। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज उतर रही है और उसके चारों कोने पृथ्वी पर जा रहे हैं। उसमें सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस उठो, मारो और खाओ। किंतु पेत्रुस ने कहा, प्रभु कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। तीन बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। पेत्रुस यह नहीं समझ पा रहा था कि मैंने जो दृश्य देखा है उसका अर्थ क्या है। इतने में कर्नेलियस द्वारा भेजे गए आदमी सिमोन के घर का पता लगाकर फाटक के सामने आ पहुँचे। वे ऊंचे स्वर में यह पूछ रहे थे, क्या सिमोन, जो पेत्रुस कहलाते हैं, इसी घर में ठहरे हुए हैं? पेत्रुस अब भी उस दर्शन के विषय में विचार कर रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देखो दो आदमी तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम जल्दी नीचे उतरो और बेखटके उनके साथ चले जाओ, क्योंकि उन्हें मैंने भेजा है। पेत्रुस ने उतरकर उन आदमी सबसे पहले ये सिनर्ड का आह्वान संत पापा फ्रांसिस ने किया है और इसको करने के पहले काफी समय से वो इसके बारे में सोच विचार कर रहे थे, सलाह मशवरा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर से पूछ रहे थे और पवित्र आत्मा की सहायता मांग रहे थे। और इस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया कि कलीसिया में ये सिनर्ड के आयोजन करना है और इसकी अति आवश्यकता है। और उन्होंने इस सिनर्ड को बुलाया और ये सिनर्ड की तैयारी उन्होंने
10 अक्टूबर के उस पवित्र यूकरिस्टीय बलिदान जो उन्होंने सेंट पीटर्स बेसिलिका प्रांगण में किया था, उसी के साथ उन्होंने इस सिनड की तैयारी प्रारंभ कर ली। और ये सिनड वर्ष 2023 में रोम में होगा और वर्ष 2021 और 22 हम इसकी तैयारी में, 2 साल की तैयारी में हम अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये सिनड की जो प्रक्रिया संत पापा ने जो प्रारंभ किया है उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसको मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। हमारे रोहित भाई और धर्म भाई बहन ये सबको जानते हैं, वो इनसे अवगत हैं, लेकिन हमारे लोक धर्मी काफ़ी लोग हैं तो उनके लिए ताकि वे अच्छी तरह समझें तो मैं इसको आपके सामने रखूँगा। सर्वप्रथम जब संत पापा ने ये निर्णय लिया ये सिनड बुलाना है तो उन्होंने एक कार्डिनल को चुना, कार्डिनल मारियो ग्रेक। उनको ये पूरे विश्व में विश्वव्यापी कलीसिया में इस सिनड के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया। तो कार्डिनल मारियो ग्रेक इसके पूरे विश्व के स्तर पर अध्यक्ष हैं और उनको मदद करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, जनरल सेक्रेटेरिएट रोम में, और उसमें काफ़ी विशेषज्ञ लोग, सलाह समिति के रूप में जनरल सेक्रेटेरिएट का भी गठन हुआ है। तो कार्डिनल मारियो ग्रेक इस सेक्रेटेरिएट के द्वारा इस दल में जो लोग हैं उनके मदद से पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में सिनड को सफल बनाने में कार्यरत हैं। और फिर सभी देशों में इसके बारे में बताया गया, ज़्यादातर बिशप्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी देशों में इस सिनड की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए बताया गया। हमारे भारत देश में CCBI यानी लैटिन राइट बिशप्स कॉन्फ्रेंस, CBCI वो कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, उसमें भारत के सभी पूरी कलीसिया उसमें शामिल है, लैटिन राइट कैथोलिक्स, 0 मलबार कैथोलिक्स, 0 मलंगरा कैथोलिक्स, क्योंकि भारत में 3 राइट्स हैं, तो ये सब CBCI में इन्वॉल्व है, CBCI के अंतर्गत है और उसको कहते हैं कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI। और फिर हर रिचुअल चर्चेस के लिए, हर अलग अलग रीत के कलीसियाओं के लिए अलग अलग आयोजन है। लैटिन बिशप्स कॉन्फ्रेंस के लिए है CCBI, कॉन्फ्रेंस ऑफ द कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया, और 0 मलबार कलीसिया के लिए उनको वो कॉन्फ्रेंस नहीं कहते हैं, सिनड कहते हैं, 0 मलबार सिनड। और 0 मलंगरा कैथोलिक्स भी कॉन्फ्रेंस नहीं कहते, वो भी 0 मलंगरा सिनड कहते हैं। तो ये सिनड कोई नई बात नहीं है, ये सिनड पुरानी है और हमारे अन्य रीत के चर्चेस वो लोग उस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक साथ उनके धर्माध्यक्षों की बैठक को सिनड कहते हैं, 0 मलबार सिनड, 0 मलंगरा सिनड, लैटिन बिशप्स CCBI कैथोलिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया। तो हम लोग हर कलीसिया में इसका तैयारियां शुरू है, चल रहा है कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर। CCBI ने
फादर फ्रांसिस गोंसाल्वेस जो येसु समाज के पुरोहित हैं, जो कमीशन फॉर थियोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन उसके सेक्रेटरी हैं, CCPA कमीशन फॉर थियोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन उसका सेक्रेटरी है फादर फ्रांसिस गोंसाल्वेस येसु समाज के, उसको भारत में लैटिन राइट के कैथोलिक लोगों के बीच में इस सिनड की प्रक्रिया जारी करने के लिए उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो द जनरल सेक्रेटरी इन इंडिया इज फादर फ्रांसिस गोंसाल्वेस SJ, और उनके साथ उनको मदद करने के लिए जैसे कार्डिनल मारियो ग्रेक रोम में, उनको मदद करने के लिए एक जनरल सेक्रेटेरिएट का गठन हुआ, उसी रूप से फादर फ्रांसिस गोंसाल्वेस को मदद करने के लिए एक नेशनल टीम, राष्ट्रीय स्तर पर एक दल बनाया गया है विशेषज्ञों के द्वारा, उसमें युवा लोगों का भी सहभाग है, क्योंकि यहाँ हमारे काफ़ी युवा भाई बहन बैठे हैं, मैं उनको देख के बहुत खुश हो गया, हमारे युवा स्ट्रॉन्ग यूथ ग्रुप इज देयर। सो पर्सिवल हॉल्ट जो इसके पहले जो सिनर्ड यानी धर्माध्यक्षों की बैठक युवा भाई बहनों के ऊपर हुआ था उसमें वो शामिल था, तो वो भी उस टीम में है। फिर उन्होंने ये बताया हर धर्म प्रांत में कॉन्टैक्ट पर्सन्स नियुक्त करना है, दो कॉन्टैक्ट पर्सन्स। सो हमारे धर्म प्रांत में, मेरठ धर्म प्रांत में, हमने फादर रॉय जो डायसिस के चांसलर हैं उनको हमने नियुक्त किया, और उनके साथ उनको मदद करने के लिए दूसरा कॉन्टैक्ट पर्सन सिस्टर मीना नायडू रिलीजियस ऑफ जीसस एंड मेरी RJM उनको नियुक्त किया। तो हमारे डायसिस के कॉन्टैक्ट पर्सन्स श्रद्धेय फादर रॉय चवलूर और सिस्टर मीना नायडू, ये दोनों कॉन्टैक्ट पर्सन हैं। फादर रॉय को इसलिए चुना क्योंकि वो बिशप्स हाउस में रहते हैं और वो मीडिया एक्सपर्ट है, और कॉन्टैक्ट पर्सन्स का कार्य ये क्या है, जनरल सेक्रेटेरिएट से यानी फादर फ्रांसिस गोंसाल्वेस और उनके दल से जो भी मैसेजेस, संदेश, जो भी निर्देशन जो आएगा उन सबको लेना है, रिसीव करना है, और फिर मुझे बताना है, फिर पूरे धर्म प्रांत में इसको पहुंचाना है। तो इस तरीके से वो कॉन्टैक्ट पर्सन है। फिर हमने सोचा ये कोर टीम बनाने के लिए, और उसके पहले हमने जोनल टीम बनाए, और ये जोनल टीम बनाने के लिए हम लोगों ने BCC की जो ढांचा है उसको अपनाया, क्योंकि उससे हम आसान तरीके से इस सिनड की प्रक्रिया को कर सकेंगे। धर्म प्रांत में जो किया गया है वो इस प्रकार है, जैसे मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने सबसे पहले एक पास्टरल लेटर लिखा था, संक्षिप्त में एक पास्टरल लेटर लिखा था पूरे धर्म प्रांत के लिए, और वो सभी पल्लियों में भेजा गया, शायद पुरोहितगण आप लोगों को इतवार के मिस्सा के समय पढ़कर सुनाया होगा। उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं था क्योंकि शुरुआत में मैंने एक छोटा सा पास्टरल लेटर लिखा, अब विस्तार रूप से एक पास्टरल लेटर लिखा हूँ और वो भी भेजा गया है, और उसमें से कुछ लेकर मैं यहाँ आप लोगों को भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक पास्टरल लेटर, वो अक्टूबर महीने की शुरुआत में, फिर 6 अक्टूबर को मेरठ में हमारे धर्म प्रांत में कार्यरत सभी पुरोहितों की एक बैठक हुआ था, जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द प्रीस्ट्स was held on 6th of October, और उसमें प्राय प्राय का सभी पुरोहितगण थे, और वहाँ मैंने ये सिनड क्या है, सिनड का महत्व क्या है, क्यों संत पापा ने सिनड बुलाया है, और ये सिनड से कलीसिया में क्या क्या होगा, इन सब बातों को विस्तार रूप से मैंने अपने पुरोहितों को समझाया, सभी पुरोहित जो मेरठ धर्म प्रांत में कार्यरत है उनको समझाया। और फिर उसका श्रदे फादर थॉमस उदिम अटतल ने उसको रिकॉर्ड किया, और वो वीडियो भी सबको भेजा गया, वो यूट्यूब में है,
यूट्यूब में भी हैं। फिर हम लोगों ने ये पोस्टर्स बाहर है ना, यानी हाँ ये जो एम्ब्लम ये काट के रखा बहुत अच्छा है, सुंदर है, बहुत अच्छी तरह किया है, वेरी गुड। नहीं इस तरीके लोगो जो हमारे लोगो है, सिनड का जो लोगो है वो है, तो उसको हम लोग उसके लिए पोस्टर्स बनाए और फिर एक मेमेंडो, ये मेमेंडो भी बनाया। तो ये दोनों को मतलब मेरठ में ये सब बना के दोनों को श्रद्धेय फादर थॉमस उदिमठतिल हमारे धर्म प्रांत के कैटेगरिकल डायरेक्टर हैं जो यहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने सभी पल्लियों में इसको पहुँचाया। तो अभी सभी पल्लियों में ये जो मेमेंडो है इसमें इसके पीछे जो बैकग्राउंड है सरदाना के हमारे कृपाओं की माता के बसिलिका का बैकग्राउंड है, क्योंकि वो हमारे लिए मान्य है, और उसके सामने वो सिनड के लोगो है। और इसको हर गिरजाघर में सैंक्चुरी के पास एक उचित जगह पर अच्छी तरह इसको रखना है, ताकि जो भी जब भी हम गिरजाघर में आएंगे वो मेमेंडो हमें याद दिलाएगा हम सिनड में हैं, ये है। और फिर ये जो पोस्टर है मतलब जो लोगों का पोस्टर बड़ा वाला, वो गिरजे के प्रांगण में जहाँ सब देख सकते हैं वहाँ उसको डिस्प्ले करना है। वो करने के बाद मैंने ये दोनों फादर रॉय और सिस्टर मीना नायडू को डायसिस के कॉन्टैक्ट पर्सन्स नियुक्त किया और वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन दिया, उनको डिटेल्स उनको बताया। फिर 9 तारीख को संत पापा फ्रांसिस वेटिकन में एक बैठक लिया था सिनड को, सिनड की घोषणा करने के लिए, और वहाँ कार्डिनल्स विशेषज्ञ लोग अलग अलग क्षेत्र में के अलग अलग विषयों पर और अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि लोग वहाँ उस बड़े हॉल में, वो भी यूट्यूब में है, 9 तारीख को संत पापा फ्रांसिस इंट्रोडक्शन दिए थे और फिर कार्डिनल मारियो ग्रेक उसके बारे में लोगों को समझा रहे थे, फिर अलग अलग जगह से उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, प्रश्न पूछा गया था, वो काफ़ी समय लंबा समय का वो एक बैठक था। और फिर अन्य देशों से भी ऑस्ट्रेलिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वहाँ इसको बताया गया, आप लोग यूट्यूब में जाएंगे आपको वो मिलेगा, वो विस्तार रूप से उसको बताया मतलब समझाया जा रहा था। फिर 10 तारीख को, अक्टूबर के 10 तारीख इतवार को संत पापा फ्रांसिस वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में पवित्र यूकरिस्ट चढ़ाकर इस सिनड का पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में इसका शुभ आरंभ किया। फिर अगले इतवार रोम में शुभारंभ करने के अगले इतवार 17 तारीख, अक्टूबर 17 तारीख को हर विश्वव्यापी कलीसिया के सभी धर्म प्रांत में अपने अपने महागिरजाघरों में इसका शुरुआत करना था। तो हम लोग सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल मेरठ में 17 तारीख को ये शुभारंभ उनके निर्देश अनुसार, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, डायरेक्शंस दिया है कैसे इसको शुभारंभ करना है, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने तैयारी की। लेकिन उस दिन शाम को जोर से बारिश हो रही थी, तो बाहर जो जुलूस और बैप्टिस्मल प्रॉमिसेस का जो नवीकरण वो सब हमें बाद में शिफ्ट करके कैथीड्रल के अंदर ही कराना पड़ा, और उसको सीधा प्रसारण किया गया था, सबको बताया गया था आप लोग उसको देखना है, क्योंकि पूरे धर्म प्रांत में हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं। सो द इनॉग्रल सेरेमनी जो कैथीड्रल में हुआ था मिस्र बलिदान के साथ, वो भी सीधा प्रसारण किया गया था उसका, तो आप लोग जरूर देखे होंगे। फिर उसके बाद मैंने एक कोर कमिटी बनाया कुछ पुरोहितों के साथ, और वो कोर कमिटी के सदस्यों को मैंने जोनल टीम से लिया था। जोनल टीम्स, वैसे हमारे धर्म प्रांत में 3
और कभी कभी हम लोग चार जोन में बंटा हुआ है। लेकिन लघु ख्रिस्तीय समुदाय बैठक के कार्य के लिए पांच जोन्स बनाए गए थे। हम लोग ये सिनड की प्रक्रिया लघु ख्रिस्तीय समुदाय के बैठक के द्वारा इसको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आसान है। लघु ख्रिस्तीय समुदाय के बैठक में सभी लोग शामिल हैं, बड़े बूढ़े बच्चे जवान और सभी लोग बच्चे सबके सब उसमें शामिल हैं, और इसलिए हमने सोचा वो एक सुंदर माध्यम होगा हमारे लिए, तो इसलिए उसको हमने चुना है। तो इसलिए बीसीसी के बैठक के जरिए से ये होगा, और इसलिए हम लोग बीसीसी का जो ढांचा है उसको अपनाया और उसके द्वारा ये करने के लिए पांच जोन्स को हमने अपनाया। तो वो पांच जोन मेरठ, डेहराडून, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो ये पांच जोन से जोनल कोऑर्डिनेटर के सहायता से हम लोगों ने सदस्यों को चुना और उन्हें नियुक्त किया। खासकर जो लोग बीसीसी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनको हम लोगों ने चुना है। और इसलिए अभी गाजियाबाद जोन में फादर श्रीदेव फादर पीटर प्रकाश, पीटर प्रकाश वहाँ खड़े हैं, वो लोग खड़े हो सकते हैं अभी, पर पीटर प्रकाश हैं और उनके साथ सिस्टर सिस्टर वल्सम वल्सा जो यहाँ के सुपीरियर हैं, सिस्टर वल्सा। इसमें दो पुरुष दो स्त्री, एक युवा भाई एक युवा बहन और एक पुरोहित एक धर्म बहन। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका आठ सदस्यों का ये गठन जोनल टीम किया है और उनके मदद से हम लोग हर जोन में इसको कर रहे हैं। जो लोग इच्छुक हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी पादर पीटर प्रकाश, सिस्टर वल्सा और दो पुरुष कौन कौन है, दो पुरुष आए हैं, हाँ क्राइस्टनर से मिस्टर जॉन फ्रांसिस, खड़े रहिए। मरियम नगर से खड़े रहिए, आपका नाम डेविड। सो जॉन फ्रांसिस, मिस्टर डेविड, और स्त्रियों में अंजलिना सूर्यनगर पैरिश से, और दूसरे इंदिरापुरम से। आपका नाम, शोभी, वो आप बैठ जाओ, ये खड़े रहो, शोभी खड़े रहो, सोफिया अपार्टमेंट के शोभी। तो ये, और फिर यो भाई मेविन, यो भाई, यो बहन, इसका नाम अनीता, रूबीना। अच्छा, यहाँ एक सिस्टर रूबीना भी रहती थी। तो ये आठ सदस्यों का ये गठन है, ये जोनल टीम है गाजियाबाद जोन का। तो ये किया, फिर बैठ जाइए। जोनल कोऑर्डिनेटर्स को हम लोगों ने चुना और ये कोर कमिटी किया। कोर कमिटी की बैठक मेरठ में हुई और उसमें ये तय किया था कि हम लोग सबसे पहले लोगों को इसको अवगत कराएं, और इसलिए जोनल सिनडल ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। हम लोगों ने पहले 8 तारीख को, 8 नवंबर को मुरादाबाद जोन में सिनडल ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया, और उसमें लगभग 140 के करीब लोग थे, पार्टिसिपेट किया था प्रतिनिधित्व। और फिर 9 तारीख को मेरठ में किया और मेरठ में 120 के करीब लोग थे, उपस्थित थे। और फिर 10 नवंबर को रामपुर में किया, वहाँ 150 के करीब, 150 के करीब सदस्य वहाँ उपस्थित थे। फिर 12 नवंबर को डेहराडून में किया, 12 नवंबर को वहाँ 200 के ऊपर लोग थे, 12 नवंबर को डेहराडून में 200 के ऊपर लोग थे। अब 13 और 14 हम लोग सरदाना में व्यस्त थे, कल हमारे बसलिका का त्यौहार था, बड़ा अच्छी तरह हुआ,
और आज 15 तारीख संत आल्बर्ट का फीस्ट भी है। आज हम यहाँ गाजियाबाद जोन में इसको कर रहे हैं। फादर आल्बर्ट उपस्थित हैं? नहीं, आज फादर आल्बर्ट का फीस्ट है, ललियाना के पल्ली पुरोहित, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो ये अब तक जो हमारे यहाँ धर्म प्रांत में जो किया है उसको है। अब सिनर्ड के बारे में समझाने के पहले हम लोग शुरुआत में रूबीना ने पढ़ा ना, रूबीना ने धर्म ग्रंथ से प्रेरित चरित्र से अध्याय 10 जो कॉर्नेलियस का जो घटना है, उनकी जीवन यात्रा है, उसको हम लोगों ने सुना। और उस पंक्ति से दो चार बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। ये हम हर एक के लिए अति आवश्यक है। यदि सिनर्ड सफल होना है तो ये जो मैं अभी आप लोगों के बता रहा हूं, कॉर्नेलियस के जीवन में क्या था, पेत्रुस के जीवन में क्या था, ये हमारे जीवन में होना है। कॉर्नेलियस का सफर, सिनर्डल यात्रा अपने साथियों के साथ, पेत्रुस के साथ, ये सब सफल हुआ ईश्वर के साथ, क्योंकि स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत यानी ईश्वर का दूत कॉर्नेलियस को दिखाई दिया, पेत्रुस को दिखाई दिया। तो वे लोग एक दूसरे को सुनते रहे, ईश्वर को सुनते रहे, पवित्र आत्मा को सुनते रहे, और इसलिए वो सिनर्ड, वो मतलब वो सिनर्ड, वो सही यात्रा सफल हुआ। और वो सफलता के पीछे उनके जीवन में कुछ गुण हैं, वो उस सफलता के पीछे हैं, और वो गुण हमारे अंदर होना है। इसके बिना सिनर्ड सफल नहीं होगा। ये एक और बैठक कलीसिया में होगा और इसमें बहुत सारी लिखत पढ़त हो जाएगी और वो हम लोग वैसा का वैसा रहेंगे। तो इसलिए इन गुणों की अति आवश्यकता है हमारे लिए। अब अध्याय 10 प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्यांश 2 में हम इस प्रकार सुनते हैं, वह यानी कॉर्नेलियस और उसका समस्त परिवार, कॉर्नेलियस और उसका समस्त परिवार एक धर्म परायण ईश भक्त व्यक्ति लोग थे। धर्मपरायण यानी धर्मी थे। कॉर्नेलियस धर्मी था, उसके परिवार भी, और ईश भक्त थे। ईश भक्त थे, ईश्वर को मानने वाले थे, ईश्वर के अधीन रहने वाले थे, ईश्वर के सुनने वाले थे, और इसलिए उनको कहते हैं ईश भक्त। और आगे हम पढ़ते हैं, वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षा दान दिया करता था, यानी परोपकार के कार्य में लगा हुआ था। कॉर्नेलियस परोपकार के कार्य में लगा हुआ था, दूसरों की चिंता करने वाला था, दूसरों को मदद करने वाला था कॉर्नेलियस। और फिर उसके आगे पढ़ते हैं, हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। तो एक प्रार्थनारत व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना के द्वारा हर समय ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था, इसलिए उसका सिनर्डल यात्रा सफल हुआ। तो हम लोगों के जीवन में भी होना है। दूसरी बात हम ये देखते हैं, कॉर्नेलियस यहूदी नहीं था। ये अध्याय इस वाक्य से शुरू होता है, कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति था। तो इटालियन पलटन का शतपति, जिसके अंदर 100 से ऊपर सैनिक लोग हैं, वो शतपति हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो यहूदी नहीं था। फलस्तीन देश में रोम लोगों की रोमी शासन था, वे रोमी शासन के अधीन रहे, जैसे हमारे भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था,
उसी रूप से पैलेस्टीन देश यहूदी लोग रोमी शासन के अधीन थे और कॉर्नेलियस उस पलटन का शतपति था, यहूदी नहीं था। यहूदी ना होकर भी वो धर्मी था, ईश भक्त था, परोपकार के कार्य करने वाला था और प्रार्थना करने वाला था। ये गुण हमारे अंदर होना है, हमें धर्मी बनना है, ईश भक्त होना है, परोपकार, दूसरों के बारे में चिंता करने वाले निस्वार्थ लोग होना है और हर समय प्रार्थना करने वाला यानी ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने वाला होना है, तभी ये सफल होगा, नहीं तो नहीं। अब पेत्रुस के जीवन को देखें, पेत्रुस से भी कुछ हम सीख सकते हैं। पेत्रुस यहूदी था और उस समय यह विचारधारा यहूदियों के बीच में प्रचलित था और वो क्या है, यहूदी लोग चुने हुए लोग हैं, द चोजन पीपल, वे चुने हुए लोग हैं। मुक्ति सिर्फ यहूदियों के लिए है क्योंकि मुक्तिदाता का जन्म यहूदी जाति में हुआ, यह यहूदियों के विचारधारा था। और हम लोग ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, आशीषित किए हुए लोग हैं, लेकिन दूसरे लोग सब अच्छे लोग नहीं हैं, नीचे के लोग हैं, मुक्ति नहीं पाएंगे, ईश्वर के करीब नहीं है, ईश्वर के द्वारा आशीष पाए हुए लोग नहीं है। यह विचारधारा वहां प्रचलित था। तो कॉर्नेलियस कहां आता है, कॉर्नेलियस यहूदी नहीं है, वो इसलिए ईश्वर के द्वारा आशीष किया हुआ व्यक्ति नहीं है और कॉर्नेलियस की मुक्ति नहीं हो सकता है और कॉर्नेलियस अपवित्र है, अशुद्ध है, उनके साथ संपर्क रखना, हम जो चुने हुए लोग हैं यहूदी लोग, हमारे लिए उचित नहीं है। यह पेत्रुस था। तो पेत्रुस यहूदी था और उसका विचारधारा ये था। यदि इस विचारधारा में पेत्रुस रहेगा तो सिनोडल यात्रा सफल नहीं हो पाएगा। अब हम देख रहे हैं प्रभु पेत्रुस को तैयार कर रहे हैं, जैसे आज प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार कर रहे हैं, उसी रूप से पेत्रुस को प्रभु तैयार कर रहे हैं सिनोडल यात्रा के लिए, सहयात्री कलीसिया बनाने के लिए। तो पेत्रुस छत के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहा है, उसको भूख लगी, भूख लगते ही उसको एक दिव्य दर्शन मिल रहा है और उस दर्शन में एक चादर उसके सामने बिछाया गया है और उस चादर में पृथ्वी के सभी जीव जंतु रेंगने वाले सब वहां चादर में दिखाई दे रहे हैं और पेत्रुस को भूख लग रहा है और आवाज पेत्रुस को यह आया है, उठो मारो और खाओ, ये बताया गया है पेत्रुस को। और पेत्रुस क्या कहता है, नहीं कदापि नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, ये तो अशुद्ध है, मैं शुद्ध व्यक्ति हूं, चुना हुआ हूं, मुक्ति पाने वाला व्यक्ति हूं, ईश्वर का हूं, तो ये तो अशुद्ध चीजें हैं प्रभु, ये कभी नहीं होगा, उसने इनकार किया। तब प्रभु ने उसे क्या कहा, जो मैंने सृष्टि किया है उसमें उसके किसी को अशुद्ध मत कहना, ये सब पवित्र है। जैसे उदाहरण के लिए, आप लोगों का चित्र समझने के लिए, उदाहरण के लिए कुछ जानवरों को, कुछ चीजों को यहूदी लोग अपवित्र मानते थे, उसको स्पर्श करने में या खाने में बिल्कुल अपवित्र भ्रष्ट हो जाते थे। तो जैसे मकाबियों के ग्रंथ में आप लोग पढ़ेंगे, उन दिनों सुअर का मांस खाना मना है, अशुद्ध है, मकाबियों के ग्रंथ उनके परंपरा के अनुसार। तो वहां हम लोग देखते हैं वो विधवा और सात पुत्रों के साथ मरने के लिए तैयार हो गई, बल्कि स्वर का मांस नहीं खाएंगे। अब इन दिनों आप लोगों को वो पंक्ति मिलेगी, मरने के लिए तैयार हो गई, स्वर का मांस नहीं खाएंगे क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, ये अशुद्ध है। तो इस बैकग्राउंड में है पेत्रुस, तो इसलिए पेत्रुस ने मना किया, लेकिन प्रभु उसको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसका मन परिवर्तन करा रहे हैं और उससे कहते हैं मैंने जो सृष्टि किया है उससे अपवित्र मत बोलो, अशुद्ध घोषित मत करो, ये सब अच्छा है। ये दृश्य उसे मिला और उस समय हम देखते हैं, हमने सुना है कि
कॉर्नेलियुस से भेजा हुआ व्यक्ति वहां पहुंच गए हैं और वो तुरंत नीचे आ रहा है, वो समझ गया है और फिर उनके साथ योपे जा रहा है। और वहां कॉर्नेलियुस, जैसे वो कॉर्नेलियुस के पास आता है, कॉर्नेलियुस खड़े हो जाता है और उसके पैरों पर, पैरों तले गिर पड़ता है, उसको आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है। लेकिन पेत्रुस क्या कर रहा है, उसको अपने हाथों से उठाकर उससे कहता है, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूं, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूं। ये पेत्रुस, पेत्रुस का परिवर्तन, मन परिवर्तन हुआ है। मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, हम सबको ईश्वर ने बनाया है, हम बराबर हैं, हम एक साथ उठ बैठ सकते हैं, हम भाई भाई हैं, इसलिए मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, खड़े हो जाइए, हम बराबर हैं, आपको मेरे नीचे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिनोडल यात्रा प्रारंभ हो गया उसके मन परिवर्तन से। यदि पेत्रुस अपने मन के उस, या अपने पूर्वाग्रह बात या अपने परंपरा की बात, अपने सोच विचारधारा उसमें बना रहता, ये नहीं हो पाता। तो पेत्रुस का मन परिवर्तन हुआ है और उसके बाद पेत्रुस ये कहता है, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। पेत्रुस उसके बाद उससे कह रहा है, तो इसका मतलब गैर यहूदी से संपर्क रहना, उसके घर में प्रवेश करना, ये एक यहूदी के लिए सख्त मना है, तो इसलिए मुझे नहीं आना था। लेकिन मैं अब समझ गया हूं, अब वो क्या बोल रहा है, लेकिन किंतु ईश्वर ने मुझे, मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। ईश्वर ने मुझे ये प्रकट किया है, अब मैं समझ गया, मैंने अपनी विचारधारा बदल दिया। तो इसलिए ये सिनोडल यात्रा सफल हो सका, कॉर्नेलियुस और पेत्रुस एक साथ चल सके, कॉर्नेलियुस के नौकर चाकर वो एक साथ हो सके, कॉर्नेलियुस के परिवार उसमें एक सके, उस यात्रा में पेत्रुस से मिल सके और पेत्रुस को प्रभु ने तैयार किया। कॉर्नेलियुस लोगों की सुन रहा था, ईश्वर की भी सुन रहा था, स्वर्गदूत की आवाज सुन रहा था। पेत्रुस लोगों की सुन रहा था, अपने तौर तरीके, अपने परंपरा, और ईश्वर की भी सुनता रहा, और ये दोनों एक दूसरे को सुनते थे और ईश्वर को सुनते थे, और इसलिए वे इस सिनोड की यात्रा कर सके। संत पापा फ्रांसिस जोर देकर कहते हैं, हमें सबको सुनना है, सबको बोलना है, कोई भी ऐसी व्यक्ति कलीसिया में नहीं होना चाहिए जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सबको सुनना है, सबको बोलने के अधिकार है, सब बराबर है, वी आर ऑल द पीपल ऑफ गॉड, हम एक हैं, एक शरीर के अलग अलग अंग हैं। इस बात को संत पापा फ्रांसिस बड़े स्पष्ट रूप से पूरे कलीसिया को अभी इस सिनोड के द्वारा समझा रहे हैं, और इसकी सफलता मन परिवर्तन के द्वारा ही हो सकता है। अब ये पंक्ति नहीं पढ़ा गया, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा सिनोड के द्वारा क्या नतीजा, क्या कंक्लूशंस होना चाहिए। अध्याय 10 प्रेरित चरित वाक्यांश 34 में हम क्या देखते हैं, 34 में, 34 में पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं। सुंदर है, पेत्रुस कह रहा है, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, ध्यान दीजिए, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्म आचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ये पेत्रुस का परिवर्तन। सिनोड के इस यात्रा के बाद हम लोगों के अंदर भी यही बात होना चाहिए, अब मैं समझ गया हूं ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, सब उसके संतान है, सब ईश्वर की प्रजा है,
कोई ऊंच नीच नहीं है। ये हरेक के मन में आना है, ये हमारे जीवन के शैली बनना है। तो ये अब हमने ये सिनड प्रार्थना, सिनड के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना में भी कुछ बातें हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, प्री कंडीशन। यदि इस सहयात्री कलीसिया को साकार करना है, इसमें यात्रा करना है एक साथ, तो हमें ये प्रार्थना में जो किया है बताया है वो भी हमारे जीवन में होना है। और वो क्या है, तीसरी पंक्ति में देखिए, ये सिनड प्रार्थना के तीसरी पंक्ति में, हम दुर्बल और पापी हैं। सबसे पहले हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए, हम कमजोर हैं, हम पापी हैं, हम दुर्बल हैं। यदि यहां कोई बैठेंगे, अरे नहीं मैं तो अच्छा खासा धर्मी व्यक्ति हूं, हर दिन इतवार हर दिन मिसा में जाता हूं, किसी को कोई ये नहीं कहता, वो परिसी जो मंदिर में आगे खड़े होकर छाती फुला के बोलता है, ऐसे लोग यहां होंगे तो ये सिनड सफल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर ये एक भावना लाना है, मैं दुर्बल और पापी हूं, ये भावना इस प्री कंडीशन फॉर द सिनड। हर एक को यह समझना है, मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं, मैं पापी हूं। दूसरा, हमें अव्यवस्था फैलाने ना दें, हमें अव्यवस्था फैलाने ना दें। डोंट अलाउ मी टू मेक कंफ्यूजन, मुझे बैठक में गड़बड़ करने ना दें। हम प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये होगा आगे, हम सिनोडल बैठक करेंगे अलग अलग गुटों में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ, वहां कोई ना कोई होगा ये इस विचार से आएगा, अपना स्वार्थ की भावनाएं प्रकट करेगा, वो गड़बड़ करेगा, वहां कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए पहले से ये प्रार्थना की जा रही है, हमें अव्यवस्था फैलाने ना दें। और दूसरा, अज्ञानता हमें गलत मार्ग पर न ले जाएं। कलीसिया में काफी समस्याएं हैं, काफी परेशानियां हैं, काफी मुसीबतें हैं, संत पापा इससे सबसे गुजर रहे हैं, धर्माध्यक्षों के बीच में, पुरोहितों के बीच में, धर्म भाई बहनों के बीच में, अलग अलग रीत के कलीसियाओं के बीच में बहुत सारी ये समस्याएं। ये सब क्यों हो रहा है, अज्ञानता के कारण। हम लोग कलीसिया क्या है उसको सही से समझ नहीं पाए हैं, तो इसलिए वो अज्ञानता हमारे अंदर है, वो अज्ञानता को दूर करना है। और इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अज्ञानता हमें गलत मार्ग पर न ले जाए, और उसके साथ ही न ही पक्षपात हमारे कार्यों को प्रभावित करें। यानी पक्षपात, कुछ लोगों को प्राथमिकता देना, कुछ लोगों को इग्नोर करना, है ना, ये पक्षपात भेदभाव, चाहे वो भाषा की ओर से या अपने क्षेत्र की ओर से या अलग अलग मुद्दों के कारण, नहीं, ये पक्षपात नहीं होना है। तो ये प्रार्थना में भी हम लोगों ने प्रभु से मांगा है, तो ये बहुत सुंदर है। ये सब ये सिनड के लिए ये हमारे अंदर ये एक तैयारी होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। दिस इज द प्री कंडीशन टू मेक द सिनड सक्सेसफुल। तो यह हम खरे के अंदर होना है। अब सबसे पहले मैं ये कहूंगा, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए सब कुछ के लिए। कभी कभी धन्यवाद देना मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादातर नकारात्मक बातों पर है, नकारात्मक बातों पर है हमारा फोकस। अपनी व्यक्तिगत जीवन को देखिए, आसानी से हम अपने जीवन में जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, अड़चनें हैं, दर्द है, बीमारी है, उन पर हमारा मन ज्यादा बना रहेगा, है कि नहीं। परिवार में भी, पड़ोस में भी, समाज में भी, जो ये बातें हमें दुख देता है, परेशान करता है,
आश्चर्यचकित में पड़ा देता है, तो उन बातों पर हमारा मन हमेशा लगा रहता है और इसलिए हम लोग स्वभाव से एक तरह से नकारात्मक सोचने वाले बन जाते हैं। नेगेटिविटी इज टू मच इन अस। और फिर ईश्वर के द्वारा जो हमें मिला है, जो वरदान, इतने सारे वरदान, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले हमारा हृदय कृतज्ञ हृदय बनना चाहिए, क्योंकि कितने सारे वरदान ईश्वर ने हमें दिया है उसका गिनती नहीं है। हम कभी भी उसके लिए पूरे जीवन काल में इसके लिए धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने दृष्टिकोण बदलो। देखिए आप यहां बैठे हैं, अच्छे खासे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं, जीवित हैं। ये किसकी वजह से? उस ईश्वर की वजह से। वो आपके नथनों पर प्राणवायु फूंक रहा है हर क्षण, हर निमिष। यदि वो रोक लेगा तो आप यहां मरे पड़ेंगे। तो ईश्वर आपके साथ है, आपके जीवित रख रहा है हर समय। कोरोना के समय हमने महसूस किया ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हो जाता है। तो ये ईश्वर कर रहे हैं हमारे लिए। तो ईश्वर जीवन देता है और ईश्वर ने हमें बपतिस्मा के द्वारा उस कलीसिया का सदस्य बनाया है। बपतिस्मा संस्कार, उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। कलीसिया जो मसीह का शरीर है, जिसके हम हर एक अंग है, उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। कलीसिया में कितनी मदद संस्कारों के द्वारा, ये सहयात्री कलीसिया बनाने के लिए ये संस्कार हमें मदद कर रहा है, हमें एक साथ ला रहा है, हमें बुराई से बचा रहा है। तो इस तरीके से कितने सारे हमारे परिवार, माता पिता, बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी, बहुत सारे सकारात्मक बातों को हम सोच सकते हैं और उसके लिए हमें कृतज्ञ बनना है, धन्यवाद देना है। और सबसे पहले अभी ईश्वर ने इस विशाल, इस सुंदर संसार की सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ में दो प्रकार के ट्रेडिशन के हिसाब से सृष्टि के वर्णन किया गया है। दूसरा जो अध्याय दो में हम पढ़ेंगे, उसमें ईश्वर ने मिट्टी ली, पुतला बनाया, उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी और उसमें दम आ गया और उसे आदम कहा और आदम को अदन वाटिका में रखा। और रोजाना ईश्वर आदम के साथ टहलने के लिए आते हैं, यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। तो ये आदि से एक सिनड है, यात्रा है। शुरू से, सृष्टि के प्रारंभ से ही एक यात्रा है। ईश्वर मनुष्य के साथ यात्रा कर रहा है। उस यात्रा में ईश्वर मनुष्य को अपना साथी बना रहा है और मनुष्य ईश्वर को अपना साथी बना रहा है। आदम का साथी ईश्वर है, ईश्वर का साथी आदम है, दोनों साथ चल रहे हैं। ये सह यात्रा है ईश्वर और मनुष्य। और इसलिए बाद में नबी इसाईस भविष्यवाणी करेंगे और क्या कहते हैं, एक कुंवारी, अध्याय 7 वाक्यांश 14 में, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल माने ईश्वर हमारे साथ। तो शुरू हो चुकी है, चल रहा है। तो ईश्वर और आदम सह यात्रा में। उसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक रूप से इब्राहिम, हमारे विश्वास में हमारा पिता इब्राहिम, इब्राहिम के साथ ईश्वर यात्रा में है। इब्राहिम मेसोपोटामिया के ऊर नामक उस कल्देय, वहां से उसे बुलाया जा रहा है, इब्राहिम आ जाओ, सब कुछ छोड़ो, अपना जमीन ज्यादा दौलत सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो, हम यात्रा करेंगे, जो देश मैं दिखाऊंगा वहां हम पहुंचेंगे। इब्राहिम और ईश्वर यात्रा में है। इब्राहिम के साथ उसकी पत्नी है, उसके लॉट है और उसके नौकर लोग हैं, सब लोग यात्रा में शामिल हैं ईश्वर के साथ। और इब्राहिम सदा ईश्वर की सुनता है, अपने लोगों की भी सुनता है। तो यहां इस यात्रा में जो संत पापा कह रहे हैं, सबकी सुनना है, ईश्वर की भी सुनना है, आत्मा की आवाज सुनना है और दूसरों की भी सुनना है। वो हम देख रहे हैं, इब्राहिम सुन रहा है, ईश्वर की आवाज सुन रहा है। ईश्वर उसे बहुत समय दिखाई देते हैं, कहते हैं ये करो वो करो,
ये सब वो कर रहा है। और दूसरों को भी सुनता, अपनी पत्नी की आवाज़ सुनता है, लौट की आवाज़ सुनता है, अपने लोगों की आवाज़ सुनता है, पड़ोसी देशों में जो लोग हैं उनकी बातें सुन रहा है। तो इस तरीके से इब्राहिम और ईश्वर यात्रा में है, यात्रिक कलीसिया, तो वो यात्रा में चल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं तो ये पूरे बाइबल में, उसके बाद याकूब, ये सब पूरे बाइबल में, ये बाइबल एक यात्रा है, ये भी हमें समझना है। बाइबल एक यात्रा है, ये पूरा बाइबल एक यात्रा है। आप देख लीजिए, पहला बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति ग्रंथ, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 और 2 सृष्टि के बारे में बताया गया है, शुरुआत के बारे में बताया गया है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, प्रारंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो इस तरीके से ये शुरू हो रहा है, ईश्वर यहां अध्याय 1 और 2 में ईश्वर प्रारंभ कर रहे हैं, अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और फिर बाइबल की आखिरी किताब कौन सी है? प्रकाशना ग्रंथ। प्रकाशना ग्रंथ के आखिरी 2 अध्याय 21 और 22, ये 21 और 22 इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एक नए आकाश, एक नए पृथ्वी। तो एक नए आकाश और नए पृथ्वी बनाना है, और तो उसके लिए यहां शुरू हो रहा है उत्पत्ति ग्रंथ 1 और 2 में, और प्रकाशना ग्रंथ 21 और 22 में ये नए आकाश और नए पृथ्वी का सृजन करना है, घटन होना है, उसकी ओर हम यात्रा कर रहे हैं। ये बीच में जो भी है, ये बीच में जो भी बातें हैं, जैसे ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, याकूब को बुलाया, ऐसा को बुलाया, याकूब को बुलाया, और जोसेफ और उनके जाति, फिर वो एक यहूदी जाति बन गए, और उसके बाद राजाओं को बुलाया, न्यायकर्ताओं को बुलाया, और फिर नबियों को बुलाया, ये सब यात्रा में लोगों के साथ यात्रा जारी है यहाँ, बुलाया, और उसके बाद प्रभु अपने इकलौते पुत्र को भेजा उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, और फिर उन्होंने शिष्यों को बुलाया, अब शिष्यों के साथ आदि कलीसिया की स्थापना हुई। आदि कलीसिया में लोग जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले, वो यात्रा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा बाइबल एक यात्रा है, और ये पूरा उत्पत्ति ग्रंथ 1 और 2 और प्रकाशना ग्रंथ 21 और 22, उसके बीच में जो भी बाइबल में है, उसको हम प्प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20 में इसको निहित कर सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20 में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, जो मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके यहां आऊंगा, उसके साथ रहूंगा और उसके साथ चलूंगा। तो ये सब किस तरह ईश्वर अलग अलग लोगों के जीवन में उनको खटखटाता है। इब्राहिम को खटखटाया, इसहाक को किया, याकूब को किया, राजाओं को किया, दाऊद को किया, तो सबको खटखटा रहा है। आदि कलीसिया में लोगों को खटखटाया, अब ईश्वर वही जारी है, हमें हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है, हमें उनके साथ सहयात्री बुलाने के लिए। तो यह है बाइबल, तो हमें इसको समझना है। बाइबल पढ़ते समय हमें यह समझना है, हाँ, अभी मैं यात्रा में हूं ईश्वर के, प्रभु के साथ। तो ये यात्रिक कलीसिया, ये हमें समझना है। अब शुरू में टाइम मैनेजमेंट मैं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ता है लोग कैसे हैं, फिर मैं टाइम मैनेजमेंट मैं करूंगा, ठीक है। और तो ये आगे आदि कलीसिया हम क्या देखते हैं? आदि कलीसिया में जैसे आपको प्रेरित माँ मरियम के साथ बंद कमरे में थे, एक दूसरे की सुन रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे एक साथ, और ईश्वर की सुन रहे थे, आत्मा की सुन रहे थे, और फिर आत्मा से परिपूर्ण हुए, बाहर आए, सबको सुनाने लगे, सबकी बातें सुनने लगे, सबके साथ एक होने लगे। और फिर हम देखते हैं आदि कलीसिया कैसे, प्रेरित चरित्र अध्याय 2
वाक्यांश 44 में हम पढ़ते हैं, वे सब एक साथ रहे, सब कुछ में सबका साझा था, सब कुछ में सबका साझा था, उनमें से कोई कंगाल नहीं था। नहीं तो वहां भी था, गरीब लोग थे, अमीर लोग थे, कंगाल थे, स्त्रियां अलग था, स्त्रियों को वहां जाना मुश्किल था मंदिर में, तो ये इस तरीके के भेदभाव था उनके समाज में। लेकिन जब प्रभु ने शिक्षा दी, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शिक्षा दी, उस समय वे एक हो गए, अपना सब कुछ बेचकर शिष्यों के कदमों में डाले, वो सब कुछ में सबका साझा था, एक साथ जीवन बिताए, एक साथ चलने वाले सहयात्री कलीसिया वहां हम लोग देख रहे हैं, एक साथ चलने वाले। तो शुरू में जो यीशु मसीह की शिक्षा पर चलने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले, वो ईसाई नहीं कहलाते थे, वो ईसाई नहीं कहलाते थे। सबसे पहले जो यीशु मसीह का अनुसरण करने वालों को ईसाई कहां कहा गया था? एंटियोक में, अंताकिया में। सबसे पहले उसके पहले वो क्या बुलाए गए थे? उसके पहले दोसू फॉलो द वे। ये एक नया रास्ता प्रभु ने अपना दिखाया। यहूदियों की परंपरा था, यहूदियों की संहिता था, यहूदियों के नियम वगैरह था, और उसमें बहुत सारे भेदभाव था। प्रभु यीशु मसीह उनमें जो भेदभाव है उसको खंडन किया, और उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, प्रेम का रास्ता। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है ऐसे ऐसे कर लो, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। एक रास्ता दिखाया, एक राह दिखाया, और लोगों को उस राह पर चलने दिया। और शुरू में जो यीशु मसीह के अनुसरण करने वालों को राह पर चलने वाले माना जाता था, दोसू फॉलो द वे। सौल किसको सता रहा था? ऐसे लोगों को सता रहा था जो लोग प्रभु के मार्ग पर चल रहे थे, उन लोगों को सता रहा था, क्योंकि वे लोग यहूदियों से विपरीत थे, खतना का अनुभव अनुसरण नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो उनको सता रहा था। इसलिए उन लोगों को यह कहा गया, दोसू फॉलो द वे। वो है असलियत कलीसिया का, जो राह पर चलने वाले, जो एक नए रास्ता जो प्रभु ने सिखाया उस पर चलने वाले, नए पथ पर चलने वाले। इसलिए हम कह सकते हैं ये लोग नव पथ राही, नए रास्ते पर चलने वाले यात्री। तो ये यात्रा करने वाले, अब सिनर्ड, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहेंगे संधियों का सुसमाचार, उसमें आई एम द वे, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, वही मार्ग है, उसी मार्ग पर चलने वाले यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले। सिनर्ड, नाउ ये सिनर्ड, हाँ ये सिनर्ड जो लिखा हुआ है, SYNOD सिनर्ड, वर्ष 2021 वर्ष 2023, और उसके पहले फॉर अ सिनोडल चर्च थीम है। किस लिए हम यहां बैठे हैं? फॉर अ सिनोडल चर्च, एक सहयात्री कलीसिया के लिए। और उसके नीचे है कम्युनियन पार्टिसिपेशन मिशन, ये तीन सब थीम्स ये लिखा हुआ है। अब ये लोगो बहुत सुंदर है, कुछ लोग जब हम लोगों ने ये भेजा गया, उन्होंने पोस्टर बनाया और उसमें ये सिनर्ड और ये जो नंबर्स हैं और वो जो शब्द हैं उबड़ काबड़ लिखा है, कोई स्टाइल में नहीं लिखा है, ऐसे 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 लिखा है ना। तो कुछ लोगों ने उसे अच्छी तरह जैसे ये लिखा है, हाँ कम्युनियन पार्टिसिपेशन मिशन, कितना सुंदर लग रहा है, सिनोडल चर्च, सिनर्ड, सब बराबर के अच्छा से लिखा है ना, सब एक समान है। ऐसा नहीं है, इसका एक मतलब है, ये अलग अलग विपरीत इसलिए दिया गया है, हम एक समान नहीं है, हम अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये अलग अलग लोग एक साथ आना है। ये नहीं है सबको एक ढांचे में डाल के फिर हम यात्रा करेंगे, नहीं ये नहीं होगा। सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दिमाग के हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग परंपरा के हैं, अलग अलग सोच विचार के हैं, लेकिन वो अलग अलग लोग ही एक साथ चलना चाहिए, यह है।
और इस लोगों का बहुत सुंदर मतलब भी है, जैसे वहां अच्छी तरह उसको प्रस्तुत किया है, ये एक ट्री है, ट्री ऑफ लाइफ, वो यीशु मसीह को इंगित करता है। और फिर वो सन जैसा, सन पवित्र यूकरिस्ट, यूकरिस्ट से केंद्रित सहयात्री कलीसिया, यूकरिस्ट से केंद्रित। और फिर नीचे 15 जन है, वहां स्पष्ट, वहां पता नहीं उन्होंने 15 रखा है या नहीं, 15 है उसमें भी, हाँ 15 लोग हैं, सबसे आगे बच्चे जा रहे हैं। तो इस तरह ऐसा लगता है बच्चे लीडिंग कर रहे हैं अभी, ये नहीं है धर्माध्यक्ष डंडा पकड़ के आगे सबको लीड कर रहा है, ऐसा नहीं बनाया कलीसिया। तो बच्चे जा रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग क्रिपल्ड लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, धर्माध्यक्ष कहीं बीच में छिपा हुआ है, पुरोहितों को नाम दिखाया भी नहीं है, एक सिस्टर तो है उधर। तो इस तरीके से 15 लोग हैं, अलग अलग रूप से इनको दर्शाया है। तो ये है सिनड, मतलब सिनड शब्द, ये सिनड शब्द कहां से आ रहा है, ये यूनानी भाषा से है, ये दो शब्द हैं, यस वाई एन, सिन इसका मतलब टुगेदर, एक साथ, यस वाई एन, सिन माने टुगेदर। फिर एच ओ डी ओ एस, होडोस, होडोस माने पथ, रास्ता, वे, एच ओ डी ओ एस, सिनड का मतलब एक साथ पथ पर, यह है लिटरल मीनिंग, एक साथ पथ पर, एक साथ एक रास्ते में, यह है सिनड का शब्द का मतलब, लिटरल मीनिंग, एक साथ रास्ते पर। वही हमने अभी देखा, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसी रास्ते पर चलने वाले हैं कलीसिया, तो एक साथ एक पथ पर। तो ये शब्द का जो विवरण दिया गया है। अभी कितने प्रकार के कलीसिया हैं, रिचुअल चर्चेस, देर आर मैनी, 23 या समथिंग एनी, बट हियर मैं जो पूछ रहा हूं, तीन प्रकार के कलीसिया हैं। सबसे पहले ग्लोरिफाइड चर्च, यानी महिमान्वित कलीसिया, ग्लोरिफाइड चर्च विच इज महिमान्वित कलीसिया। दूसरा है दुखी कलीसिया, यानी सफरिंग चर्च, दुखी कलीसिया, सफरिंग चर्च। तीसरा है पिलग्रिम चर्च, मिलिटेंट चर्च, यात्री कलीसिया। तो ये तीन प्रकार के कलीसिया है। सबसे पहले महिमान्वित कलीसिया, ये कौन है, संत पापा, फादर लोग, सिस्टर लोग, नहीं, महिमा में हैं हम, अच्छे कपड़े पहन के अच्छी तरह महिमा में दिखते हैं, नहीं, महिमान्वित कलीसिया है संतगण, स्वर्ग के संतगण, जो लोग इस दुनिया में जीवन बिताकर अपने पाप में प्रवृत्तियों पर सब कुछ पर अच्छी तरह पछताकर प्रायश्चित करके पूर्ण रूप से पवित्र बनकर मरते हैं, वे सीधा स्वर्ग पहुंच जाते हैं, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो है संतगण, वो महिमान्वित कलीसिया है, महिमान्वित कलीसिया, उनके साथ हमारा संबंध है। इसलिए हम प्रेरितों के धर्मसार में क्या कहते हैं, धर्मियों के संबंध, हम धर्मियों के संबंध पर विश्वास करते हैं, धर्मियों के संबंध, वो धर्मी लोग हमारे जैसा हमारे साथ इस दुनिया में जीवन बिताकर अब स्वर्ग पहुंच गए हैं, अपने पुरस्कार पा चुके हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, वे हैं महिमान्वित कलीसिया, ग्लोरिफाइड चर्च। और उसके बाद दुखी कलीसिया, सफरिंग चर्च, ये कौन है, शोधक अग्नि के आत्मा, सोल्स इन द पर्गेटरी, क्यों, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, बपतिस्मा के द्वारा हम सब के सब पवित्र किए गए हैं, इसलिए हम उसके साथ एक हो गए हैं, उसके संतान बन गए हैं, उसके निवास बन गए हैं, और कलीसिया के सदस्य यानी शरीर के अंग बन गए हैं। लेकिन पाप करने से हम अगेन उसके बाद बिछड़ जाते हैं, पाप हमें ईश्वर से अलग कर देता है, अपवित्रता हमें ईश्वर से अलग कर देता है, ईश्वर पवित्र है और इसलिए ईश्वर के साथ एक होने के लिए हमें पवित्र बनना है। और हम इस दुनिया में जीवन बिताते हुए हम दुर्बल और पापी हैं, हमने कहा है, तो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, जैसे संत पौलुस लिखते हैं रोमियों को लिखते हुए अध्याय 7 वाक्यांश 14 से, वो पंक्ति में लिखते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट,
संघर्ष, और उसमें क्या कहते हैं, मैं जो करना चाहता हूं उसको नहीं कर बैठता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं उसे कर बैठता हूं, तो कौन है करने वाला? मैं नहीं बल्कि मुझ में निवास करने वाला पाप, इससे मुझे कौन बचा सकता है? ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे बचा सकता है। तो ये है जो लोग इस दुनिया में जीवन बिताकर पूर्ण रूप से अपने गलतियों पर, पाप में प्रवृत्तियों पर पछता नहीं पछताया है और मर गए, गुजर गए, वे लोग सीधा स्वर्ग में, जो ईश्वर पवित्र है, वहां नहीं पहुंचेंगे। उनको पवित्र बनना है और इसलिए वे लोग शोधक अग्नि के यानी पर्गेटरी में है। उनका दुख ये नहीं है वो आग में जल रहे हैं, वो गलत है, नहीं, उनका दुख क्या है, क्योंकि वो जीवन से वंचित है, ईश्वर से दूर है, वो उनका दुख है। आग में जलना आसान होगा लेकिन ईश्वर से दूर रहना नामुमकिन है, हम जीवित नहीं रह सकेंगे। तो वो लोग इंतजार में, उनको हमारी जरूरत है, इसलिए नवंबर महीना विशेष रूप से अमृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना के असर से, पवित्र मिसा बलिदान के असर से वे लोग अपने दंडमोचन पाकर स्वर्ग पहुंच जाते हैं। वो है दूसरी कलीसिया, यात्री कलीसिया, सॉरी सफरिंग चर्च, दुखी कलीसिया। तीसरा है यात्री कलीसिया, मिलिटेंट चर्च। मिलिटेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो संघर्ष करते हैं, बुराई और भलाई के बीच में संघर्ष में हम जीवन बिता रहे हैं, इसलिए हम मिलिटेंट चर्च है। लेकिन यात्री कलीसिया यात्रा करने वाले हैं, हम सदा यहां रहने वाले नहीं है, ये हमारा जगह नहीं है, हम यहां के नहीं है। मैं जा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए कमरे तैयार करने, मेरे पिता के यहां बहुत सारे निवास स्थान है, मैं वहां जा रहा हूं तैयार करने के लिए, मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा वहीं, हमें वहां पहुंचना है, वो हमारा मंजिल है, हमें स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं, इस धरती के लिए नहीं, और इसलिए हम यात्रा कर रहे हैं वहां की ओर। जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है सबके सब मरे हैं, कोई हमेशा यहां रहने वाला नहीं है, हम यात्रा में है, इसलिए हमारा असलियत यात्रा है। तो कलीसिया जो यात्री कलीसिया, द पिलग्रिम चर्च, वी आर द पिलग्रिम्स, हम सफर कर रहे हैं, तो इसलिए यात्रा हमारे जीवन शैली बनना है। तो यही संत पापा कह रहे हैं, इसलिए इस सिनड के द्वारा वो हमें इस यात्रा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम अभी ब्रेक लेंगे। मैंने ये कहा था तीन प्रकार की कलीसिया, इन तीनों के साथ हमारा संबंध है, द ग्लोरिफाइड चर्च, महिमान्वित कलीसिया, दुखी कलीसिया यानी सफरिंग चर्च, और यात्री कलीसिया, मिलिटेंट कलीसिया, और वो है पिलग्रिम चर्च। सो इन तीनों के साथ हमारा संबंध है, हम यात्रा कर रहे हैं। अब सिनर्ड, कितने प्रकार के सिनर्ड हैं और कितने सिनर्ड्स अब तक हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में ये मैटर, ये सब आप लोगों को प्रिंट करके वो दिया जाएगा, तो इसलिए हैंड आउट द पेपर्स दिया जाएगा, हिंदी में हम लोगों ने इसका अनुवाद किया है। तो सिनर्ड्स, तीन प्रकार के सिनर्ड्स हैं कलीसिया में। ये सिनर्ड की शुरुआत भी, जैसे मैंने कहा था शुरू से आदम से, लेकिन ये सिनर्ड जो जिसे हम मानते हैं धर्माध्यक्षों के बैठक, क्योंकि इसे ये कहा जाता है द सिनर्ड ऑफ द बिशप्स, धर्माध्यक्षों के बैठक, तो ये कब प्रारंभ हुआ इस तरीके से बैठक के रूप में, वो है द्वितीय वतिकन महासभा के बाद। जब द्वितीय वतिकन महासभा में काफी परिवर्तन लाया गया कलीसिया में सभी क्षेत्र में, और उसको कार्यान्वित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, और तुरंत वो संत पापा पौलुस छठे के जिम्मेवारी बना, उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। तो उस समय उन्होंने ये सोचा कि मैं अकेले ये नहीं कर पाऊंगा और इसलिए मुझे मदद की जरूरत है, अलग लोगों से मुझे सलाह मशवरा लेना है। तो इस तरीके से उन्होंने सिनर्ड, जैसे अभी हो रहा है धर्माध्यक्षों का सिनर्ड, उसका शुरुआत उनके समय उन्होंने किया, और वो है 15 सितंबर 1965 ईस्वी में, क्योंकि
द्वितीय वेटिकन महासभा के बीच में वो अंत होने के पहले संत योहन 23वां गुजर गए और फिर संत पौलुस छठा संत पापा बने और उनको इसको आगे जारी रखना है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहली बार धर्माध्यक्षों का बैठक बुलाया सलाह मशवरा करने के लिए। तो वो पहला सिनर्ड इस रूप में था, तो वह है 15 सितंबर 1965 में। तब उसके बाद बहुत सारे सिनर्ड्स कलीजिया में हुए हैं। तो तीन प्रकार के सिनर्ड, द फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी जनरल असेंबली ऑफ द बिशप्स, ऑर्डिनरी जनरल असेंबली ऑफ द बिशप्स यानी साधारण सिनर्ड। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल असेंबली ऑफ द बिशप्स, असाधारण सिनर्ड। तीसरा है स्पेशल सिनर्ड्स और वह है विशिष्ट सिनर्ड। तो इस तरीके से तीन प्रकार के हैं। अब इस साधारण सिनर्ड माने द ऑर्डिनरी जनरल असेंबली ऑफ द बिशप्स, इसका मतलब कि 3 वर्ष में एक बार या 4 वर्ष में एक बार संत पापा धर्माध्यक्षों को बुलाते थे, उस बैठक में कलीजिया के किसी मुद्दे पर किसी बात पर वो बैठक में विचार विमर्श करते थे और वो जो भी निर्णय लिया जाता है वो पूरे कलीजिया पर उसका असर है, पूरे कलीजिया पर। और इसलिए इसको कहते हैं जनरल, जनरली अप्लाई टू एवरीबॉडी। तो ऑर्डिनरी जनरल असेंबली ऑफ द बिशप्स इस तरीके से, और वो 3 साल में एक बार, कभी कभी 4 साल में एक बार भी हुआ है। अब तक साधारण सिनर्ड यानी ऑर्डिनरी जनरल असेंबली ऑफ द बिशप्स 15 हो चुके हैं। तो 15 सिनर्ड्स कलीजिया में साधारण सिनर्ड्स हो चुके हैं। दूसरा है असाधारण सिनर्ड। असाधारण सिनर्ड जब कभी कलीजिया में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, एक विशेष बात पर चर्चा करना है, विचार विमर्श करना है, निर्णय लेना है, तो उसके लिए विशेष रूप से ये जो साधारण सिनर्ड्स हैं 3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, उसके अलावा वो वैसा ही चलता रहेगा, रिप्लेस नहीं कर सकते, उसके अलावा जरूरत पड़ने पर कलीजिया में किसी बात पर विचार विमर्श करके निर्णय लेने के लिए सिनर्ड, संत पापा धर्माध्यक्षों के सिनर्ड बुलाते थे, उसी को कहते हैं असाधारण सिनर्ड, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल असेंबली ऑफ द बिशप्स। अब तक असाधारण सिनर्ड 3 हुए हैं। तो 3 असाधारण सिनर्ड कलीजिया में हुए हैं। तीसरा है विशिष्ट यानी स्पेशल सिनर्ड्स, ये पूरी कलीजिया के लिए नहीं है, कलीजिया के किसी एक क्षेत्र की जरूरत को लेते हुए, किसी एक कॉन्टिनेंट के जरूरत को लेते हुए ये बैठक वहां के बिशप लोगों के साथ किया जाता है, उसको कहते हैं विशिष्ट सिनर्ड। जैसे यूरोप में हुआ था, अफ्रीका में हुआ था, और फिर ये अमेज़न सिनर्ड हुआ था, ये सब है विशिष्ट यानी स्पेशल सिनर्ड्स हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार, और विशिष्ट सिनर्ड्स स्पेशल सिनर्ड्स अब तक 11 हुए हैं। तो साधारण सिनर्ड 15, असाधारण सिनर्ड 3, और विशिष्ट यानी स्पेशल सिनर्ड्स अब तक 11 हुए हैं। अब इनके ब्यौरा डिटेल्स, विशेष रूप से ये जो 15 सिनर्ड्स हैं साधारण सिनर्ड, वो यहाँ इसमें दिया हुआ है। अब जो संत पापा ने ये जो सिनर्ड बुलाया है वर्ष 2023 में जो होने वाला है वो है 16वां, सो दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड द 16th ऑर्डिनरी जनरल असेंबली ऑफ द बिशप्स 2013, द 16th। तो ये 15 सिनर्ड्स हो चुके हैं। ये क्या क्या है 15 सिनर्ड्स? 1967 में चर्च और विश्वास के संरक्षण में सिनर्ड हुआ था, 1967 में
सिस्टम द प्रिजर्वेशन ऑफ फेथ इन द चर्च उस समय का थीम था उस सिनड का 1967 में। उसके बाद 1971 में विश्व में न्याय और सेविकाई की प्रोहिताई पर दैट इज जस्टिस इन द वर्ल्ड एंड द मिनिस्ट्रियल प्रीस्टहुड वो 1971 में हुआ। 1974 में सुसमाचार प्रचार पर इवेंजलाइजेशन पर 1974 में 1977 में धर्म शिक्षा पर यानी कैटेकिज्म पर सिनड हुआ था। 1980 में परिवार पर फैमिली पर सिनड हुआ था। 1983 में पेनेंस एंड रिकंसिलिएशन यानी पश्चाताप और मेल मिलाप के संस्कार के ऊपर सिनड हुआ था। 1987 में लोक धर्मी पर यानी ऑन लेइटी ये सिनड हुआ था। 1990 में प्रोहिताई प्रशिक्षण पर द फॉर्मेशन ऑफ प्रीस्टहुड उस पर सिनड हुआ था। 1994 में धर्म संघियों पर कॉन्सक्रेटेड रिलीजियस उनके ऊपर सिनड हुआ था। 2001 में धर्माध्यक्षों पर द सिनड ऑन द बिशप्स बाय द बिशप्स। 2005 पवित्र यूकरिस्ट पर यूकरिस्टीय संस्कार पर सिनड हुआ था। 2008 में ईश वचन पर वर्ड ऑफ गॉड पर सिनड हुआ था। 2012 में नव सुसमाचार प्रचार पर न्यू एवेंजलाइजेशन पर 2012 में हुआ था। 2014 और 15 में परिवार के बुलाहट और मिशन पर ओकेशन एंड मिशन ऑफ द फैमिली उस पर 2 साल 2014 और 15 दो बैठक हुई थी। 2018 में युवाओं पर यूथ के ऊपर सिनड हुआ था वर्ष 2018 पर। उसके बाद वो जो पोस्ट अपोस्टोलिक एग्जॉर्टेशन जो क्रिस्तुस विविथ वो आप लोगों को मिला था। फिर अब वर्ष 2023 में संत पापा ने ये सिनड की घोषणा की है और वो है फर्स्ट सिनडल चर्च। अब तक ये जो सिनड्स हुए हैं ये साधारण सिनड के बारे में बता रहा हूँ उसमें सबसे पहले इसके बारे में सबको अवगत कराया जाता है उनसे फिर विचार विमर्श लिया जाएगा उस मुद्दे पर और वो सब प्रश्न उत्तर उसको ये करके रोम भेजा जाएगा उस पर विचार करेंगे जो सिनड कमिटी विचार करके फिर वो सबसे पहले लिनमंदा तैयार करेंगे मतलब उसकी प्रक्रिया के जो डॉक्यूमेंट्स और फिर भेजेंगे फिर उसको हमारे जो जवाब है उसे देना पड़ेगा फिर इंस्ट्रूमेंटल लेबोरेटरीज तैयार किया जाएगा फिर उसको भेजा जाएगा आखिर धर्माध्यक्षों की बैठक उन सब बातों पर चर्चा किया जाएगा और फिर कुछ कंक्लूशंस लिया जाएगा कुछ डायरेक्शंस कुछ निर्देश और उसके बाद संत पापा फ्रांसिस एक पत्र लिखेंगे पूरी कलीसिया के लिए उसको कहते हैं अपोस्टोलिक एक्सॉर्टेशन पोस्ट अपोस्टोलिक एक्सॉर्टेशन पोस्ट सिनडल अपोस्टोलिक एक्सॉर्टेशन हर इसमें आता था ये प्रक्रिया है साधारण। इस सिनड के लिए संत पापा ही कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है ये जरूरी नहीं है अंत में संत पापा एक ऐसा प्रपत्र भेजेंगे नहीं इस सिनड का मतलब ये जारी रहना है कलीसिया का जीवन शैली ये बनना है ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए नहीं है इसलिए हमारे जो बैठक हैं वो सब सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेना है डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है रिपोर्ट तैयार करना है उसे भेजना है फिर आएगा फिर उस पर चर्चा करना नहीं ये जीवन में लागू करने के लिए तो ये एक सिनड स्पेशल सिनड है स्पेशल मैंने उस कैटेगरी में नहीं आएगा साधारण सिनड लेकिन एक स्पेशल फोकस के साथ और वो फोकस है कलीसिया के ऊपर कलीसिया के जीवन के ऊपर द नेचर ऑफ द चर्च कलीसिया की असलियत क्या है उस पर ये सिनड फोकस करेगा तो इसलिए इसमें एक विशेष तरीकाएं अपनाया जाएगा तो इसलिए मैं उन सबको आप लोगों को अभी
आगे बताते हुए समझाते जाऊंगा। ये आप लोगों को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। अब ये तीन के बारे में थोड़ा सा मैं रोशनी डालूंगा। संत पापा ने कहा, ये जैसे मैंने बताया, ये कुछ रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए नहीं है, किताब तैयार करने के लिए नहीं है, संत पापा का पत्र तैयार करने के लिए नहीं है। ये कलीसिया आपको नवीकृत करने के लिए, कलीसिया आपको असली राह पर ले चलने के लिए, कलीसिया को एक सहयात्री कलीसिया बनाने के लिए, फॉर ए सिनोडल चर्च। इसका मतलब एक सहयात्री कलीसिया के लिए जिसमें सब एक साथ यात्रा करेंगे, जिसमें सब एक साथ रहेंगे। जैसे प्रेरित चरित अध्याय 2:44, सब कुछ में सबका साझा था, सब एक थे, उनमें कोई कंगाल नहीं था, ऊंच नीच की भावना नहीं थी। यह है कलीसिया की असलियत। तो उस असलियत में पहुंचने के लिए ये हमारे पूरे जीवन काल लेगा या कितना समय लेगा उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमें इसके ऊपर प्रयास करना है। यह नहीं है दो साल में, वर्ष 2023 में अभी पूरा कैथोलिक कलीसिया जैसे आदि कलीसिया जैसा बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें उसकी ओर प्रयास करना है, बदलाव लाना है। अचानक ये नहीं होगा, आस्ते आस्ते होगा, लेकिन उसकी ओर हमें जाना है, यात्रा करना है, रुकना नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बल्कि आगे जारी रहना है। तो फॉर ए सिनोडल चर्च, अब ये सिनोडल चर्च की जो अहम बात कैसी होना चाहिए, उसमें कम्युनियन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मिशन कार्य होना चाहिए। ये तीनों बात एक सिनोडल चर्च में होना चाहिए, एक सहयात्री कलीसिया में संयुक्तता होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए और मिशन कार्य होना चाहिए एक सहयात्री कलीसिया में। वो कैसे होगा? अब ये कम्युनियन यानी संयुक्तता क्या है, क्यों होना है, क्यों इस कलीसिया में इसको होना है, उसको आप लोग समझना है। संयुक्तता यानी कम्युनियन एक महत्वपूर्ण बात है हरेक के जीवन में और ईश्वर के जीवन में भी। कम्युनियन क्या है? ईश्वर संयुक्तता है, गॉड इज अ कम्युनियन। समझ लीजिए हम क्या करने जा रहे हैं कलीसिया में। जब संत पापा कह रहे हैं पूरे कलीसिया में कम्युनियन होना है, कम्युनियन वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या विचार है, उसको मैं समझा रहा हूं। गॉड इज अ कम्युनियन, कैसे? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वो संयुक्तता में जीवन बिताते हैं, कम्युनियन में जीवन बिताते हैं। पिता पुत्र को प्यार करता है, पुत्र पिता को प्यार करता है, आत्मा में वो प्रेम में एक हैं। इसलिए हम कहते हैं पवित्र त्रित्व का जो रहस्य है, द मिस्ट्री ऑफ द ट्रिनिटी, ईश्वर एक है, उसमें तीन जन है, वो एक परिवार है। ईश्वर एक परिवार है, ईश्वर प्रेम का परिवार है, उनमें प्रेम पूर्ण पूर्ण रूप से है, उनमें स्वार्थ नहीं है। तो ईश्वर एक प्रेम का परिवार है जिनमें कम्युनियन है, जिनमें संयुक्तता है, तो वो है ईश्वर। तो गॉड इज अ कम्युनियन। क्रिएशन, ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की, मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया। ये क्यों बनाया? कम्युनियन के लिए, संयुक्त जीवन बिताने के लिए, संयुक्तता के लिए। तो क्रिएशन इज कम्युनियन, लाइफ जीवन दिया, जीवन क्या है? कम्युनियन है, उनके साथ जुड़े रहने से ही हम जीवित रहेंगे, क्योंकि वो एकमात्र जीवन है, जीवन का स्रोत है। तो इसलिए लाइफ इज कम्युनियन, लाइफ इज कम्युनियन। इनकार्नेशन इज कम्युनियन, तब यीशु मसीह इस दुनिया में हम जैसे एक मनुष्य बने, तो वो संयुक्त जीवन बिताने के लिए इम्मानुएल ईश्वर हमारे साथ था। तो इनकार्नेशन इज कम्युनियन। और फिर मिशन, मिशन इज कम्युनियन, सैल्वेशन इज कम्युनियन, मुक्ति कम्युनियन, ईश्वर के साथ एक होना। तो यह है कम्युनियन, मिशन इज कम्युनियन। हम कभी कभी सोचते हैं मिशन, स्कूल चलाओ, अस्पताल चलाओ,
डेवलपमेंटल वर्क मतलब सोशल वर्क्स करो और अन्य मिनिस्ट्रीज करते रहो, ये सब मिशन है, ये प्रभु यीशु मसीह का मिशन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का मिशन नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये सिस्टरों ने इस विद्यालय को छुट्टी दी है इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए। ये है वास्तविकता। स्कूल तो सभी चला रहे हैं, दूसरे लोग नहीं चलाते हैं क्या स्कूल? अस्पताल सभी चला रहे हैं, हम लोगों से भी ज्यादा मल्टी स्पेशलिटी आज ये सब मिलता है, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी। सोशल वर्क्स एनजीओ बड़ा अच्छी तरह कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये मिशन है। मिशन कैसे, ये जो कार्य हम कर रहे हैं वो मिशन कैसे होगा? वो कम्युनियन से प्रकट होना है। ईश्वर का कार्य उनके जो कम्युनियन है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का जो संयुक्तता है, उसमें से ईश्वर का वचन, ईश्वर का कार्य प्रकट होता है। इसलिए वो मिशन है। मिशन कम्युनियन से प्रकट होता है। जब हम उस एकता में, जैसे आदि कलीसिया एकता में जीवन बिता रहा था, संयुक्तता में रहते थे, वैसे जब हम संयुक्तता में रहने लगेंगे तो हम में से जो भी प्रकट होगा प्रेम की प्रेरणा से, एक दूसरे के प्रेम की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से, वो कार्य मिशन होगा। यदि हम एक साथ रहते समय, सहयात्री होते समय लोगों को जानकारी देना है, ज्ञान प्रदान करना है, उनके जीवन के स्तर को ऊंचा करना है, उनके प्रति हमारे दिल में प्रेम है, हम प्रेम को बांट रहे हैं, इस तरीके से, इस विचार से हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, वो जो बीमार हैं उनकी इलाज करा रहे हैं, उनको चंगाई दे रहे हैं, और फिर उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है सोशल वर्क के द्वारा उसे उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम प्यार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को उनमें देख रहे हैं, इस विचार से ये सब कार्य जब करते हैं वो हमारा मिशन बनता है। अन्यथा ये सिर्फ एक ह्यूमन एक्टिविटी है, सिर्फ एक कार्य है, मिशन नहीं है, प्रभु का मिशन नहीं है, किसी और का हो सकता है। तो इसलिए हमें कलीसिया में मिशन क्या है, मिशन इज कम्युनियन, उसके मतलब को समझते हुए जीना है। रिलीजियस कम्युनिटीज, दे लिव कम्युनिटी लाइफ, इट्स इटसेल्फ इज अ मिशन। क्या हम ऐसे जी रहे हैं? सब कुछ में सबका साझा था, सब एक थे, ऊंच नीच नहीं था, किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। वो है कम्युनिटी, कम्युनियन, ईश्वर के जैसा। इसलिए हम जब कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया, ईश्वर एक प्रेम का परिवार है जिसमें प्रेम पूर्ण रूप से है, उसी रूप से मनुष्य प्रेम में परिवार में बनाया है। हर बच्चा परिवार में जन्मता है, ऊपर से टपकता नहीं है, तो परिवार है। जब परिवार में प्रेम है, उस प्रेम का फल वो संतान है। तो इस तरीके से इसलिए मनुष्य का परिवार पति पत्नी और बच्चे, और इसलिए परिवार एक महत्वपूर्ण अंग लेता है कलीसिया में। संत पापा इसी के ऊपर जोर देते हैं, परिवार सही होना चाहिए, कलीसिया सही हो जाएगी। तो इसलिए ईश्वर के अनुरूप मनुष्य बनाया गया, और ईश्वर का रूप क्या है? प्रेम का परिवार। मनुष्य का रूप क्या होना चाहिए? प्रेम का परिवार। फर्क क्या है ईश्वरीय परिवार और मनुष्य के परिवार में? ईश्वर के परिवार में प्रेम पूर्ण रूप से है, 100% है। जब पिता पुत्र को प्यार करता है, पूर्ण प्रेम से वो पुत्र के साथ एक हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता मुझ में है, पिता अलग नहीं रहता है, मुझ में रहता है, प्रेम में वो मेरे साथ एक हो जाता है। उसके अंदर स्वार्थ नहीं है, वो कुछ अपने लिए बचा के नहीं रखता है, पूर्ण रूप से पुत्र में एक हो जाता है। पुत्र पिता को प्यार करता है, और उस प्रेम में पुत्र अपने आप को पूर्ण रूप से पिता को सौंप देता है। हे पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, क्रूस पर मरकर, जान देकर, प्यार करके। तो उनके बीच में प्रेम 100% है, पूर्ण रूप से है। हम लोगों को अभी बीच में भी ऐसा प्रेम होना चाहिए। इसलिए शादी के आशीष के समय हम ये कहते हैं, अब से ये दो नहीं बल्कि एक है, एकता, संयुक्तता, अब से ये एक है। कितने लोग इसे समझ रहे हैं?
आजकल शादियां कैसे हो रहे हैं, सब कुछ तय कर दिया लड़की के साथ या लड़के के साथ, सब ले लिया, बाद में पूछते हैं अरे तुम कौन से धर्म के हो, हम मुसलमान हैं, अब लफड़ा हो गया मुसलमान से कैसे शादी। कभी कभी ऐसा है क्या, शादी का इनविटेशन कार्ड भी छपा दिया, उसके बाद फादर के पास आएंगे, दो दिन है शादी के लिए, फादर जी कुछ करो, क्या कर सकते हैं, वो शादी के मतलब नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरीके की शादियां हो रही है, इसलिए कलीसिया ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमें यह देखना है इसका मतलब कि अब से वे दो नहीं एक बने रहेंगे, जैसे परमपिता में एक संयुक्तता है वैसा परिवार यहां बनाना है। और फिर वह उतना ही नहीं, प्रभु उसके बाद ये कहते हैं, यीशु वचन कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो ईश्वर ये चाहते हैं वो एक साथ रहें। विवाह का मतलब, विवाह का महत्व कौन समझ रहा है इस बात को। तो एक सहयात्री कलीसिया में इसका महत्व समझना है। अब फर्क उनमें और इनमें, ईश्वर में पूर्ण प्रेम है, मनुष्य में पूर्ण प्रेम नहीं है, प्रेम का भाव है, सब में स्वार्थ है। चाहे एक आदमी कितना भी पवित्र उदार दिल वाला निस्वार्थ वाला हो जाए, फिर भी उसके अंदर थोड़ा बहुत स्वार्थ कहीं कोने कोने में है। कोई मनुष्य परफेक्ट यहां कोई नहीं है, स्वार्थ है। यदि उसको हम कह सकते हैं ठीक है उसका 90% प्रेम है एक दूसरे के प्रति, लेकिन 10 अभाव है। तो इसलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा पिता पूर्ण है। पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा पिता पूर्ण है। तो तुम पिता के अनुरूप बनाए गए हो, तो तुम्हारा प्रेम एक दूसरे के प्रति पूर्ण होना चाहिए, पूर्णता की ओर जाना चाहिए। स्वार्थ को हटाना है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपने आप को त्यागें, अपने आप को त्यागें, स्वार्थ को मिटा दें। ये हमारी यात्रा है। तो ये सहयात्री कलीसिया क्या के लिए, मकान बनाने के लिए नहीं, फीस कंसेशन लेने के लिए नहीं, वो करने के लिए नहीं, ये सहयात्रा जिसमें हम एक साथ यात्रा करते हुए पूर्णता की ओर जाएं। पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा पिता पूर्ण है। तो संयुक्तता, संत पापा फ्रांसिस जब कहते हैं इसके लिए, ये है संयुक्तता। संयुक्तता एक साथ रह बैठने के लिए नहीं है, ये वी आर सिटिंग टुगेदर, लेकिन ये संयुक्त नहीं है। कम्युनियन का मतलब बहुत, एक हृदय और एक प्राण, वह है कम्युनियन, एक हृदय और एक प्राण बनकर जीना, वह है कलीसिया का असलियत। आज जो हम देख रहे हैं वो कैसी कलीसिया का असलियत नहीं है, लेकिन ये यात्री कलीसिया है। हमें आस्ते आस्ते उसके लिए कोशिश करना है, प्रयास करना है। तो इसी के लिए ये सिनर्ड बुलाया गया है। तो वो कम्युनियन, उसके बाद सहभागिता। सहभागिता सब कुछ में सहभाग होना है, सब कुछ में सबका साझा था। जब संयुक्तता में जीवन बिताएंगे, सहभागिता हमारा जीवन शैली बनेगी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में वो सहभागिता है। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में हूं, मैं और पिता एक हैं। ऐसी एक एकता संयुक्तता जिसमें सहभागिता होगी, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह कैसे कहेंगे, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, मैं और पिता एक हैं। जो मुझे देखता है पिता को देखता है, और मैं वही करता हूं जो पिता मुझसे कहने करने के लिए कहता है। मेरे लिए भोजन है पिता की इच्छा को पूरा करना। तो ये है संयुक्तता और ये है सहभागिता, सहभाग होकर। ये नहीं है तुम बैठे रहो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है हम करेंगे, वो सहभागिता नहीं है। सब अपने स्तर पर सहभाग होना चाहिए और फिर उसमें से मिशन कार्य प्रकट होगा। संयुक्तता में जीवन बिताकर, सहभागिता को अपनाकर, सबको एक साथ चलते हुए कार्य कर रहे हैं, वो प्रभु का मिशन कार्य है। इसलिए संत पापा ने उसे ऐसे डाला है, फॉर अ सिनोडल चर्च इन कम्युनियन पार्टिसिपेशन एंड मिशन, उसको हमें पूरा करना है। अब
मैं आप लोगों के सामने कुछ कारक, द फैक्टर्स विच लेड पोप फ्रांसिस टू कन्वोक दिस काउंसिल, मैंने वो कौन से जो फैक्टर्स है, कारक है, या कौन से कारण है, कौन से रीजंस हैं जिसके वजह से संत पापा इस सिनड के सिनड को बुलाने में, सिनड का आयोजन करने में आगे आ रहे हैं। उस उन बातों को संक्षिप्त में मैं कुछ पांच छह मुद्दों को आप लोगों के सामने रखूंगा आपको समझने के लिए, ताकि हम सिनरल यात्रा में इन सब कारणों को निकालने के लिए प्रयास करना है। सबसे पहले कलीसिया में द्वितीय वतिकान महासभा के बाद अब 50 साल से ऊपर हो गया, द्वितीय वतिकान महासभा के बाद 50 साल से ऊपर हो गया, ओके okay? अब लेकिन 50 साल से ऊपर होने के बावजूद भी द्वितीय वतिकान महासभा में जो भी निर्णय लिया गया है वो अभी तक कार्यान्वित कलीसिया में नहीं किया गया है। ये एक पहला कारण है। हम देख रहे हैं आदि कलीसिया यानी द्वितीय वतिकान महासभा के पहले जो कलीसिया था, उस कलीसिया के जो जीवन, उसमें काफ़ी बातें रही। मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था आदि कलीसिया एक यात्री कलीसिया था, आदि कलीसिया एक मूवमेंट था, आदि कलीसिया सबको मिलकर यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले थे, नवपत राही थे। लेकिन उसके बाद उस समय अत्याचार हो रहा था क्योंकि वे लोग विश्वास में दृढ़ थे, काफी लोग शहीद हुए, कलीसिया में अत्याचार हो रहा था, और उस अत्याचार के वजह से लोग फैलने लगे, सब जगह जाने लगे और उनको सुसमाचार प्रचार करने लगे। तो दिस इज व्हाट, ये इस तरीके से कलीसिया फैलने लगा। कलीसिया में जान था, उमंग थी, जोश था, सब निडर होकर खड़े होते थे, गवाह देते थे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के, मिशन कार्य के लिए सुसमाचार की गवाह बनते थे, सबके सामने निडर होकर बोलते थे, आत्मा के वरदानों से भरपूर थे, आत्मा के फलों को प्रकट करते थे। तो ये उस समय की परिस्थिति थी। लेकिन आस्ते आस्ते वो सब ठंडा पड़ गया। कैसे? जब सहूलियत आ जाती है ना, सब सिक्योरिटीज आ जाती है, सब हम लोग एकदम अधिकार हाथ में मिल जाता है, तो हम ठंडे हो जाते हैं, आप सब सही है, चलो सो जाओ। जब सब खिलाफ है तो हम सतर्क रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे, सब कुछ के लिए तैयार रहेंगे। जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जब वो एडिक्ट सबको दिया और उसने ये कहा कि क्रिश्चियनिटी इज अ स्टेट रिलीजन, जो मेरे स्टेट में रहता है सबको ईसाई बनना है, तो वहां उसके बाद कोई अत्याचार नहीं, कुछ नहीं, कोई खिलाफ नहीं, कुछ नहीं, तो वे सबके सब शांत हो गए, ठंडे हो गए। तो इस तरीके से कलीसिया एक इंस्टीट्यूशन बन गया। पहले जो मूवमेंट था, रास्ते पर चलने वाले थे, अब वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया, और इंस्टीट्यूशन बन के सबका अंदर अधिकार हो गया, और जो प्रेरित लोग चलकर लोगों के साथ रहते थे, लोगों के घरों में बैठते थे, लोगों के साथ खाते पीते थे, उनके साथ रोटी तोड़ते थे, लोगों के सम्मान थे, प्रेरित कोई अलग वस्त्र नहीं पहनते थे, उन्हीं के सम्मान एक सर्वत्र कलीसिया, एक ही कलीसिया, सबके सब ईश्वरीय ईश्वर के प्रजा, ऑल आर द पीपल ऑफ गॉड, ऐसे थे। जब ये सब हो गया तो सम्राट फिर अधिकार होने लगा, फिर उन लोगों के जो अधिकार के जो चिन्ह है वो कलीसिया में जो नेतृत्व करते हैं उनको भी मिलने लगा, और इसलिए संत पापा बड़े टाट वोट में सब कुछ पहन के, दैट ट्रायड, पहले संत पापा माइटर है, अभी पहले संत पापा का लोहे का ट्रायड ऊपर रहते थे, तीन स्टेजेस का वो रखते थे। तो इस तरीके से राजा जैसा वो सब कलीसिया में, संसारिकता कलीसिया में, कलीसिया के अंदर आ गया, तो एक पावरफुल ये बन गया। उसके बाद क्रूसेड्स हुआ, ये सब कलीसिया की इतिहास है।
जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं सबको मार डालो, क्रूस युद्ध, ये सब कलीसिया का इतिहास है, हमें इसे नहीं भूलना है कैसे कहां कलीसिया कैसे बिगड़ गया, पटरी से उतर गया, तो ये सब हुआ है, है ना। तो उसके बाद तो फिर संत लोग ऊपर आए, हमें अच्छी तरह मालूम है असीसी के संत फ्रांसिस, जब कलीसिया इतना संसारिकता और दुनियादारी में डूब गया, संत पापा लोग अच्छे बेकार जीवन बिता रहे थे, धर्माध्यक्षगण पैसे में दुनिया के ऐश आराम के जीवन में डूबे हुए थे, उस समय संत लोग ऊपर आते थे, मठवासी आते थे। असीसी के संत फ्रांसिस गरीबी को अपनाया, दरिद्रता को अपनाया, भीख मांगने लगा, इस तरीके से कलीसिया को असली कलीसिया बनाने के लिए प्रयास किया। तो ये बराबर होता रहा है। तो उस समय जैसे अभी वापस अपने विषय पर आने से, द्वितीय वेटिकन महासभा के बाद मिसा बलिदान दीवार को देखे, मिसा बलिदान पुरोहित चढ़ाता था, लैटिन भाषा में चढ़ाता था, किसी का पल्ला नहीं पड़ता था, सब बैठते थे, रोजरी करते थे, तो इसलिए उस समय लोग कहते थे हम मिस्सा सुनने जा रहे हैं, हम मिस्सा देखने जा रहे हैं, हम मिस्सा अटेंड करने जा रहे हैं, उसके उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के मिस्सा था, धर्म ग्रंथ भी अपने भाषाओं में नहीं था, कोई बाइबल नहीं पढ़ते थे, कम से कम अच्छा हुआ रोजरी तो मिलता था, रोजरी प्रार्थना करते थे। तो ये परिस्थिति थी। जब संत पापा पीयूस 12वें गुजर गए थे, कलीसिया की स्थिति बहुत बुरी थी, और उस समय कार्डिनल सब मिलकर कॉन्क्लेव में एक संत पापा को चुनना है, उस समय वो ये सोच रहे थे इस परिस्थिति में कोई नजर नहीं आ रहा है, सो कलीसिया को सही रास्ता दिखाने वाला ये कार्डिनल जो संत पापा बन सकता है, नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें समय की आवश्यकता है, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट फिलहाल कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो कुछ समय के लिए कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट में उन्होंने ये सोचा कोई बुजुर्ग कार्डिनल को हम सेलेक्ट करेंगे, वो जल्दी मर जाएगा 3-4 साल में, फिर हम सोच विचार करके सही तरीके से नए संत पापा बनाएंगे। इस तरीके से संत पापा योहन 23वां को चुना गया था, बुजुर्ग है ये सब, वो भी ज़्यादा नहीं जिया, लेकिन उस समय वो प्रार्थना करते थे। अभी तक कलीसिया में ये प्रक्रिया आ गई थी, पहले जो आत्मा की सुनता लोगों की सुनकर चल रहे थे, अब आत्मा का सुनना बंद हो गया, क्योंकि आत्मा को प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, हम सही सलामत है, सब कुछ हमारे पास है, हम ये राज्य कर रहे हैं, तो प्रभु आप आराम करो हम करेंगे, तो ये हुआ था। तो लेकिन संत पापा योहन 23वां कार्डिनल रोंकाली जैसे वो संत पापा बने, वो प्रार्थना करने लगा, उन्होंने ये पेंटेकोस्ट के लिए प्रार्थना किया, जैसे पेंटेकोस्ट के दिन कलीसिया के नवीकृत हुआ, उसी रूप से अपनी आत्मा भेजकर कलीसिया को नवीकृत बना लो, ये उनकी प्रार्थना थी। और उन्होंने कहा अजियोर्नमंदो, है ना, एक रिन्यूअल कलीसिया में होना है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कलीसिया की खिड़कियों को खोल दो, कोई ताज़ा हवा अंदर आए, कलीसिया के अंदर घुटन महसूस हो रहा है बुराइयों से, और इसलिए थोड़ा ताजा हवा आने दो, बाहर के लोगों से संपर्क करें, बाहर की परिस्थिति को देखें, उस परिस्थिति के अनुसार सुसमाचार को प्रचार करें, सुसमाचार परिस्थिति में होना है। ये सब बातें रखते हुए संत पापा ने ये द्वितीय वेटिकन महासभा को बुलाया, और उसमें काफी परिवर्तन आया। पहले एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने रखने के लिए, पहले ये जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के उस समय से लेकर कलीसिया में काफ़ी बदलाव हो चुकी थी संसारिकता में, तो कलीसिया का ढांचा एक पिरामिडल था, पिरामिडल सोच। पिरामिड जानते हैं, इजिप्ट देश में जो उनको दफनाते हैं उसके ऊपर मकबरे बनाते हैं, तो वो शव को ये करने के लिए, वो इस तरीके से ऊपर वो पतला सा संकीर्ण सा और नीचे बड़ा सा, तो वो है पिरामिड। तो पिरामिडल ढांचा उन्होंने सोचा कलीसिया के लिए भी, और वो कैसे, सबसे पहले ईश्वर स्वर्ग में है, तो ईश्वर है, ईश्वर के तुरंत बाद संत पापा बैठे हैं, संत पापा, तो ईश्वर से सब कुछ संत पापा को मिलता है, तो संत पापा से कार्डिनल्स को मिलेगा,
कार्डिनल से महाधर्माध्यक्षों को मिलेगा, महाधर्माध्यक्षों से धर्माध्यक्षों को मिलेगा, धर्माध्यक्षों से पुरोहितों को मिलेगा, पुरोहितों से धर्म भाई बहनों को मिलेगा, उनसे जो बचा कुचा है लोक धर्मियों को मिलेगा, नीचे सबसे नीचे। तो ये कलीसिया का सोच था, एक ढांचा, वो ऊपर है हम नीचे हैं, ये था। और द्वितीय वेटिकन महासभा में उसे बदल डाला। कैसे? कलीसिया ऐसा नहीं है, हर बपतिस्मा पाया हुआ सभी एक समान है, हम एक ही रोटी और एक ही कटोरे से पान करते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऊंचा यीशु मसीह को यूक्रिस्ट में किया, कोई नीचे यीशु मसीह को, नहीं, यीशु मसीह सबके बराबर है। यूक्रिस्ट हमें एकत्रित करता है। और इस तरीके के विचार करके गोलाई में सब एक साथ खड़े हैं, उसमें संत पापा भी है, धर्माध्यक्ष भी है, पुरोहित भी है, लोक धर्मी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, सब बराबर के उसमें खड़े हैं। उस स्थिति को लाया द्वितीय वेटिकन महासभा में। तो कलीसिया, आप लोगों को ये समझना चाहिए सहयात्री होने के लिए कि कैसे कैसे ये हुआ है। तो वो हुआ है, लेकिन अब भी भले ही वो सोच विचार, मतलब भले ही वो विचारधारा में बदलाव लाया है, लेकिन कार्य के रूप में वो नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग उस बात को, पिरामिडल सोच को मानते नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार वो पिरामिडल सोच के अनुसार है, यही है हमारा व्यवहार, हमारा कार्यकलाप, हमारे तौर तरीके, सब कुछ पिरामिडल। एक धर्माध्यक्ष ये सोचता है, मैं बिशप हूं, ये पूरा धर्म प्रांत 14 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर है, मैं जो कहूंगा वही होना चाहिए, ये विचार, बाकी सब मेरी बात मानना चाहिए। उसी रूप से एक पल्ली का सर, एक पल्ली में एक पल्ली पुरोहित, वो क्या सोचते, मैं यहां का राजा हूं, मैं पल्ली पुरोहित हूं, बाकी सब मेरे अधीन है, मेरी बात सबको मानना है, चाहे वो पल्ली परिषद हो, चाहे वो महिला संघ हो, कैथोलिक युवा संघ हो, या बालक यीशु संघ हो, अन्य जो घटन पायस एसोसिएशंस या द रिलीजियस कम्युनिटीज, ब्रदर्स सिस्टर्स जिनका जो कम्युनिटीज पैरिश में है, वो सब मेरे अधीन में। कभी कभी इतना कुछ लोग, कुछ पुरोहित ये भी सोचते हैं, दिस इज द टास्क फोर्स, ए लेबर फोर्स मुझे मदद करने के लिए, द रिलीजियस कम्युनिटीज, द रिलीजियस कॉन्सक्रेटेड रिलीजियस, दे आर द लेबर फोर्स अंडर मी टू हेल्प मी, और इसलिए वो लोग आदेश देते हैं, वो करते हैं, मैं जो कह रहा हूं वैसा ही होना चाहिए। तो इस तरीके की परिस्थिति है आज कलीसिया में, पल्ली में। तो ये बदलना है, ये जो संत पापा फ्रांसिस जो सोचते हैं सहयात्री कलीसिया, उसका असलियत नहीं है। तो ये है पहला, इस वजह से संत पापा फ्रांसिस ने ये घोषित किया है, ये सिनेडल के द्वारा ये एक साथ हो सके। अब लोगों में भी ये बात है, अभी लोग सोचेंगे स्वामी जी ने सबको ये कर दिया। आम जनता, कभी कभी ये कमेंट्स मिलता है, कलीसिया ने हमारे लिए क्या किया, है कि नहीं, सुनते नहीं है, कलीसिया ने हमारे लिए क्या किया। कुछ लोग जिनको शुरू से उसे पाला पोषा, सब कुछ दिया, उसको स्कूल में डाला, पूरा फीस माफ किया, उसको पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, फिर जॉब में लगा दिया, शादी भी करा दिया, परिवार भी बना दिया, मकान भी बना के दिया, सब कुछ दिया है, वही लोग ज्यादातर ये कहेंगे कलीसिया ने हमारे लिए क्या किया। आप समझ रहे हैं उस कमेंट के पीछे क्या है? जो लोग ये कहते हैं कलीसिया ने हमारे लिए क्या किया, ये कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? ये कलीसिया का बाहर है, ये यहां खड़े होकर ये पूछता है कलीसिया ने हमारे लिए क्या किया, तो ये कलीसिया का सदस्य नहीं है। समझ रहे हैं? जब आप ये कहेंगे कलीसिया ने हमारे लिए क्या किया, तो आप कलीसिया, अपने आप को कलीसिया से बाहर कर रहे हो। आपको ये कहना चाहिए हम कलीसिया है, मैं बपतिस्मा पाया हुआ क्रिस्तीय हूं, मैं उस कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है उसका अंग हूं। तो आप कई
कैसे हिम्मत कर सकते हो ये पूछने के लिए कलीसिया ने हमारे लिए क्या किया। कलीसिया क्या है, उनका विचार क्या है? कलीसिया का मतलब पादर सिस्टलो है कलीसिया। आप कहां के हो तो आपका क्या अधिकार पड़ा है उसे पूछने का? तो सबसे पहले आपकी सोच बदलना है। मैं कलीसिया हूं, मैं बत्तीसवां पाया हुआ क्रिस्त ये मसीह के शरीर का अंग हूं, ये आपके अंदर आना है। आप क्या ये समझ रहे हैं कलीसिया मैं हूं, और उस मैं उसमें मेरा योगदान क्या है उस कलीसिया के उन्नति के लिए, यीशु मसीह के शरीर को बनाने में, उसके निर्माण में मेरा योगदान क्या है, ये आपको पूछना है, तब आप कलीसिया के सदस्य होंगे। तो इसलिए ये सब बातों को अवगत कराने के लिए संत पापा ने ये सिनड का सिनड को बुलाया है। दूसरा कारण है, कभी कभी अभी कलीसिया में क्या बात आ गई कि सिनोडालिटी जिसमें सहभागिता को ज्यादा जोर दिया गया है, सब कुछ में सबका सहभाग होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। संत पापा इसे समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, इवांजेली गौदियम नंबर 120, उसको लेकर वो एक उदाहरण दे रहे हैं इस मुद्दे को समझाने के लिए। और वो यह है कि उसमें यह बताया गया कुछ लोगों को कलीसिया में प्रेरिताई का कार्य, ओके, है ना, सुसमाचार की घोषणा, ये सबको है। बपतिस्मा पाया हुआ हर एक क्रिश्चियन का मूल कर्तव्य है सुसमाचार की घोषणा करना, प्रेरिताई का कार्य करना, न सिर्फ फादर सिस्टरों का बल्कि सभी बपतिस्मा पाया हुआ क्रिश्चियन का मूल कर्तव्य, द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी क्रिश्चियन इज टू इवेंचुअलाइज। और वेटिकन डॉक्यूमेंट्स आद जनतस एवेंजेली नुनशांति ये बड़े सुंदर रूप से कहते हैं वी एक्सिस्ट एवेंजेलाइज, हमारे अस्तित्व का एकमात्र लक्ष्य प्रेरिताई का कार्य करना। तो यदि ये है वी एक्सिस्ट एवेंजेलाइज, यदि आप प्रेरिताई का कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको जिंदा रहने का हक नहीं, आपको खत्म करना चाहिए। समझ रहे हैं इसका मतलब, वी एक्सिस्ट एवेंजेलाइज, हमारे अस्तित्व का एकमात्र लक्ष्य प्रेरिताई का कार्य, अपने अपने स्तर पर, यह नहीं आपको अभी अपना परिवार छोड़ के चलो बाइबल ले लो और घूमते फिरो और प्रचार करो, नहीं, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पति पति के साथ, अपने स्तर में उस सुसमाचार की घोषणा। प्रभु ने यह नहीं कहा तुम्हारे प्रचार से लोग जान जाएंगे, नहीं, तुम्हारे एक दूसरे के प्रेम से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। ये भी नहीं कहा तुम मेरे ईसाई हो, मेरे शिष्य हो, शिष्य बनना है। कितनी बातें हैं हमारे कलीसिया में जिसे हम जानते नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए एवांजेली गौदियम नंबर 120 उसमें से संत पापा लेकर कहते हैं आजकल एक प्रथा हो गया है एवांजेलाइजेशन करना है तो वे क्या करते हैं कलीसिया में या धर्म प्रांतों में, कुछ लोगों को चुनते हैं, उनको विशेष कोर्स देते हैं और उनको पे करते हैं और उनसे कहते हैं जाओ एवांजेलाइजेशन करो, ये प्रोटेस्टेंट लोग करते हैं ये सब। तो कैथोलिक कलीसिया में ये गलत है, ये नहीं, सबको करना है सहभागिता अपने अपने स्तर पर, कोई विशेषज्ञ नहीं होना है एवांजेलाइजेशन के लिए। तो ये है, ये इस वजह से भी संत पापा ने ये किया, क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं अरे हमें तो कभी कभी इतवार को मिस्सा जाना है, कुछ चंदा देना है वगैरह वगैरह, वो हमारा कर्तव्य खत्म हो जाता है। नहीं, मिशन इतवार ये वर्ष में एक बार रखा गया है, किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, आपके अंदर मिशनरी भावना को डालने के लिए, टू इंस्टॉल मिशनरी स्पिरिट इन एवरी बैप्टिस्ट क्रिश्चियन, दैट इज द पर्पस ऑफ द मिशन संडे। तो हरेक को ये होना है। तो ये संत पापा फ्रांसिस दो देख दे, दूसरा नेक्स्ट दिन तीसरा पता। तो फिर संत पापा एक और कारण जिसकी वजह से उन्होंने ये सिनड का कन्वोक किया है, और वो है जो शिक्षा के स्तर पर जो हमारे विचारधारा कलीसिया में ये सब होना है और वो ग्राउंड रियलिटी में नहीं पाया जाता है। देर इज सो मच
फर्क है। जैसे हम कहते हैं कथनी और करनी में काफी अंदर है, कलीसिया में बहुत कुछ बताया जाता है लेकिन वो भूमि तल पर ग्राउंड रियलिटी में लोगों के बीच में लोगों के जीवन में वो देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी संत पापा फ्रांसिस क्या कहते हैं, मुझे ईसाई नहीं चाहिए। कभी आप लोगों ने सुना संत पापा ने ये कहा मुझे ईसाई नहीं चाहिए? आपका संत पापा आपको इनकार कर रहा है, मुझे ईसाई नहीं चाहिए। संत पापा वहां से दक्षिण अमेरिका से आ रहे हैं, वहां सारे के सारे ईसाई हैं, सबका नाम ईसाई नाम है लेकिन उनमें ईसाईयत देखने के लिए नहीं मिलता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा उनमें नहीं मिल रहा है। इसलिए संत पापा उस परिस्थिति से आ रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे ईसाई नहीं चाहिए। लेकिन जैसे महात्मा गांधी ने भी ये कहा था, मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूं, ईसाइयों को नहीं, क्योंकि जो यीशु मसीह की शिक्षा है वो मैं ईसाइयों में नहीं पाता हूं। ये महात्मा गांधी का कथन है और वही बात संत पापा कह रहे हैं, इसलिए मुझे ईसाई नहीं चाहिए, नाम के ईसाई है लेकिन संत पापा चाहते हैं मुझे शिष्य चाहिए, शिष्य जो प्रभु के कदमों में बैठेगा, प्रभु की सुनेगा, प्रभु की शिक्षा पर ध्यान देगा, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करेगा, उस शिक्षा या इस वचन के द्वारा अपने आप को परिवर्तित करेगा, वो है शिष्य। शिष्य गुरु जैसा बनने के लिए प्रयास करता है। तो मुझे चाहिए शिष्य। आदि कलीसिया में वे वैसे ही थे, ईसाई नहीं थे, यीशु मसीह की शिक्षा का पालन करने वाले थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले थे। तो संत पापा आज उसे लेकर कहते हैं मुझे शिष्य चाहिए और फिर बाद में कहेंगे मुझे मिशनरी शिष्य चाहिए। शिष्य जो प्रभु के अनुभव करते हैं, उनसे सब कुछ सीखते हैं और उसके बाद जाके दूसरों को बताते हैं, अपने परिवार में अपने पत्नी को, पति को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको, वो मिशनरी है। तो मुझे मिशनरी शिष्य चाहिए, ये संत पापा फ्रांसिस कहते हैं। तो इसलिए वो जो कारण है, मतलब उनमें ताल्लुका होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तो हमारे जीवन में ये दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है, इसलिए सिनड को उन्होंने बुलाया है। नेक्स्ट, एक और बात है, कलीसिया आज एक तरह से केंद्रकृत कलीसिया बन गया है, यानी एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चर्च इट हैज बिकम, सेंट्रलाइज्ड केंद्रकृत कलीसिया, सब सेंट्रलाइज्ड, मतलब जैसे एक पैरिश हुआ सब पल्ली पुरोहित के हाथ में है, सेंटर्ड, वो सब कुछ बताएगा, वो उसी से सब कुछ होगा, बाकी कुछ बोल नहीं सकेंगे, सुझाव भी कभी कभी दे नहीं सकेंगे, सेंट्रलाइज्ड चर्च, धर्माध्यक्ष ऊपर बैठेगा और वो पूरे धर्म प्रांत को, वो सेंट्रलाइज्ड, ऑल द पावर्स आर इन द बिशप्स हैंड, कलीसिया संत पापा के ऊपर। तो लोगों का विचार है आज की कलीसिया केंद्रकृत कलीसिया है, इसको निकालना है, सबकी बोलना है, सबको सुनना है, इसको निकालना है। तो इसलिए संत पापा फ्रांसिस ये कहते हैं। लेकिन अभी ये भी एक बात है, अभी सिनड आ गया तो सिनड के बारे में लोग, कुछ लोग सुनने के बाद बोल क्या सोचते हैं, अरे वाह मजा आया, अभी संत पापा, हमारा नया संत पापा सबको डिसेंट्रलाइज कर रहा है, तो डिसेंट्रलाइज करके हमारा भी हक होगा, कलीसिया में ये है वो है, ये गलत है, ये गलत है। संत पापा या कलीसिया को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा रहा है, अच्छी तरह दिमाग में बैठा दो इस बात को, देयर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन इन द चर्च, चर्च इज नॉट डेमोक्रेटिक, समझ रहे हैं इस बात को, जहां बहुमत चलता है, मेजॉरिटी ओपिनियन, नो, चर्च इज नॉट दैट, चर्च इज नॉट मोनार्की, एक ही हाथ में सब कुछ है, बल्कि कलीसिया क्या है, सब एक साथ एक दूसरे की सुनते हुए, ईश्वर की सुनते हुए, सबसे बोलते हुए, उस ईश्वर की आशीष और कृपा और प्रेरणा से एक साथ आगे चलने वाले। पवित्र आत्मा एक बच्चे को भी प्रेरणा दे सकता है,
मान लो कलीसिया में सभा में मेजॉरिटी 99% एक बात को बता रहे हैं, कलीसिया में ऐसा होना है, या किसी बैठक में 99% से ऐसा होना है, एक व्यक्ति कह रहा है नहीं ये कलीसिया की तरीका नहीं है, एक व्यक्ति, और वो सुसमाचार के सत्य है, तो उसी को पालन किया जाएगा, 99 की विचारधारा नहीं। तो इसलिए कलीसिया इज नॉट ए डेमोक्रेटिक थिंग, कलीसिया इज नीदर मोनार्किक, बल्कि कलीसिया सर्वत्र कलीसिया एक साथ मिलकर एक साथ चलते हुए सहभागिता में ईश्वर की प्रेरणा पाते हुए उसी पर चलते रह रहे हैं, वह है कलीसिया। इसलिए ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कलीसिया की तुलना नहीं होना चाहिए। बात यहां डिसेंट्रलाइजिंग, डिसेंट्रलाइज नहीं बल्कि रीसेंटरिंग। कलीसिया में सेंट्रलाइज्ड है लेकिन अभी उसको रीसेंडर करना, रीसेंडर करना का मतलब डिसेंट्रलाइज माने सब कुछ को निकाल के अभी आप लोग मर्जी कर लो, वो मर्जी करो, ये मर्जी करो, चलो सब बांट के खा लो, ये नहीं डिसेंट्रलाइजेशन। या मैं आज अभी सिनड है, डिसेंट्रलाइजेशन होना है, मैं धर्माध्यक्ष हूँ, अभी सब कुछ मेरे हाथ में अधिकार है, तो मैं अपने पुरोहितों को बुलाकर बोल दूँ चलो आज से हम सिनडल चर्च है, दृढ़ीकरण संस्कार तुम लोग सब करो अपने अपने पल्लियों में, मैं मेरा अधिकार मैं दे रहा हूँ, सब बांटेंगे तो तुम लोग दृढ़ीकरण संस्कार करो, ये हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ धर्माध्यक्ष को वो अधिकार दिया गया वो करेगा, वो नहीं। बल्कि अभी खाने के पहले प्रार्थना करना है, ये नहीं है धर्माध्यक्ष प्रार्थना करेंगे, अरे कोई साधारण व्यक्ति भी कर सकते हैं, जो चीज कर सकते हैं डेलीगेशन, जो चीज डेलीगेट कर सकते हैं उसे करना है, सबको सहभाग होना है, ये नहीं सब कुछ मैं ही करूं खाने के पहले खाने के बाद में, या अन्य कोई प्रार्थना या सिनोडल प्रार्थना का ये जारी करना, ये कोई भी कर सकता है, सबको सहभाग होना है, इस तरीके की बात है वो कारण। सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, ओके दैट। उसके बाद संत पापा ने एक और बात बताई, वो है क्लरिकलिज्म, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। क्लरिकलिज्म, संत पापा कहते हैं क्लरिकलिज्म इज अ कर्स इन द चर्च, क्लरिकलिज्म कलीसिया में एक शाप है। क्लरिकलिज्म का मतलब क्या है? क्लर्जी डोमिनेटेड चर्च, क्लर्जी डोमिनेटेड चर्च, एक चर्च में क्लर्जी ही सब कुछ, उसी को वो कंडन करते हैं क्लरिकलिज्म। लेकिन कुछ लोग सोचे क्लरिक्स माने संत पापा, धर्माध्यक्ष गण, पुरोहित गण, धर्म भाई बहन क्लरिक्स नहीं है, तो कुछ लोग सोचेंगे हाँ ये क्लरिकलिज्म फादर लोग, ये क्लरिकलिज्म कभी ये रिलीजियस ग्रुप्स में भी है, रिलीजियस ग्रुप्स में जो अथॉरिटीज है वो सब कुछ मानते हैं, सहभागिता नहीं है, तो वो भी एक तरफ एक प्रकार के क्लरिकलिज्म है, जिसे संत पापा कहते हैं वो शाप है। तो क्लरिकलिज्म, संत पापा सिनोडल कलीसिया इसलिए बुलाया है ये क्लरिकलिज्म को पूर्ण रूप से हटाना। और फिर जैसे पैरिश स्ट्रक्चर मैंने वो आपको समझा दिया, अब और एक बात है, हाल ही में कम से कम हमारे भारत की कलीसिया काफ़ी सेफ है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा पेपरों में भी, द सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द क्लर्जी, अब्यूज ऑफ द माइनर्स बाय द क्लर्जी, जो पश्चिम देशों में यूरोप अमेरिका कई डायसिस बैंक्रप्ट हुए हैं, वो सब आप लोगों को, आप लोग उसमें वाकिफ हैं। तो ये सब के वजह से, और भारत में भी कुछ जगह है, ये नहीं हम ये नहीं कह सकते हैं नहीं है, भारत में भी ये बात है, मतलब बुरा उदाहरण का जीवन जो क्लर्जी यानी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण, धर्म भाई बहन जो जीवन बिताते हैं, कुछ लोगों के जो बुरे उदाहरण का जीवन, बुरा जीवन, उसका असर लोगों में है। अब उसकी वजह से संत पापा फ्रांसिस कहते हैं उसकी वजह से एक एंटी चर्च फीलिंग लोगों में उत्पन्न हुआ है, एंटी चर्च फीलिंग। और लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि ये धर्माध्यक्ष, ये पुरोहित, ये धर्म भाई बहन,
ये इस तरीके के जीवन बिता रहे हैं जो सुसमाचार के अनुसार नहीं है, जो गलत जीवन बिता रहे हैं, फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज हैं, घोटाला है ना सब कुछ में, और उनके हाथ में कलीसिया का बागडोर हो, वो कलीसिया का क्या होगा? ये प्रश्न पूछा गया है। और इसलिए संत पापा उन सबको निकालकर कलीसिया को सही रास्ते पर ले चलने के लिए ये सिनड को बुलाया है, वो भी एक कारण है। और एक कारण है, एक महत्वपूर्ण कारण है, द्वितीय वतिकन महासभा के पहले लोग अशिक्षित थे, शिक्षा सबके पास नहीं था। एक जमाना था भारत में भी ब्राह्मणों के बच्चे सिर्फ स्कूल जा सकते थे, बाकी नहीं, बाकी लोगों को काम करना है। तो शुरू में कलीसिया में भी शिक्षित लोग कौन थे? पुरोहित। सिर्फ पुरोहित सब कुछ जानने वाला था, तो लोग पुरोहित के ऊपर निर्भर रहते थे सब कुछ के लिए। पुरोहित से सलाह मशवरा लेते थे, क्योंकि पुरोहित सब कुछ जानता था, लोगों के पास शिक्षा नहीं था। अभी शिक्षा का पूरा ये हुआ है, सब शिक्षित हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति संत पापा कहते हैं लोग शिक्षित हैं, लोगों को सब कुछ का ज्ञान है, और लोग कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं किसी चीज पर। तो इसलिए लोगों के जो आजादी है स्वतंत्र रूप से उनका विचार प्रकट करने का, उसे देना है। अभी जो हमारे लोग हैं वर्तमान के लोग शिक्षित हैं। कभी कभी मैं ये भी कहूँगा काफी लोग अब जो हमारे पुरोहितीय शिक्षा है उससे भी बढ़कर हैं। किसी अलग बातों में जैसे कुछ अलग फील्ड्स, देयर आर स्पेशलाइज्ड पीपल, और ऐसे कार्यों को जब करना है पुरोहित जिसके लिए कोई जानकारी नहीं है तो उसको उनसे सलाह मशवरा लेना है, सहभागिता, यही है इसका मतलब। इसलिए संत पापा कहते हैं परिस्थिति बदल गया है, लोग शिक्षित हो गए हैं, लोग जानकारी हो गए, लोगों को जानकारी है सब कुछ का, इसलिए लोगों को एक साथ ले चलो, उनको प्राथमिकता दो, उनको आजादी दो, स्वतंत्र बने। आदि कलीसिया के लोग इस स्वतंत्रता का अनुभव किया, वे जुदाइसम के अंडर थे। जब उनको ये बताया गया नहीं तो वो जब बपतिस्मा के बाद आदि कलीसिया में वो लोग इस स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे, वही स्वतंत्रता हमारे कलीसिया में भी होना है, ये संत पापा बताते हैं। और फिर तकनीकी क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में जो भी आखिरी एक है, वो है संत पौलुस की जो शिक्षा, जब वो कुरिंथियों को लिखते हुए, संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र कुरिंथियों के नाम, संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 12 से 27, उसमें संत पौलुस कलीसिया को एक शरीर के साथ तुलना करते हैं। एक शरीर है, उस शरीर में दिमाग है, आंख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, और ये सब कार्य कर रहा है, लेकिन ये सब शरीर के लिए कार्य कर रहा है, ये हाथ अपने लिए नहीं कर रहा है। खाना रखा हुआ है, ये हाथ लेकर बोलेगा ये खाना मैंने लिया, ये मेरे लिए है, तो वो हाथ में ही रह जाएगा, लेकिन वो हाथ खा भी नहीं सकेगा। हाथ को खाना को लेके मुंह को दे रहा है, मुंह खा रहा है, मजा ले रहा है, हाथ तो काम कर रहा। तो इस तरीके से कलीसिया में तो शरीर, लेकिन ये भी मेरा शरीर है, ये हाथ जो मेरा है ये उसका अलग योगदान है शरीर में, लेकिन ये हाथ मेरा शरीर है, ये सिर मेरा शरीर है, पैर भी मेरा शरीर है, ये सब शरीर है, शरीर के अंग है। तो उसी रूप से कलीसिया में अलग अलग लोग हैं, पुरोहित हैं, धर्माध्यक्ष हैं, संत पापा है, धर्म भाई बहन हैं, प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, ये सब शरीर के अंग हैं, ये सब शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के निर्माण कर रहे हैं। तो ये संत पौलुस ने ये शिक्षा दी है, और उसको देखते हुए कलीसिया एक समान है। तो वो भी एक संत पापा ने एक पॉइंट वहां से भी लिया है।
अब और भी कारण हैं जो आप लोग आजकल बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में वगैरह आ रहा है इस सिनड के बारे में, आप लोग सुन सकते हैं, काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो ये जो जो मैंने मनन चिंतन करके काफ़ी मौन रूप से काफ़ी कुछ चिंता करके जो बातें मैंने ले आया है, ये शायद आपके यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं सरल रूप से इन सब बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब कुछ बातें हैं, ये सिनड संत पापा के जीवन में, ये सिनड की जो प्रक्रिया है वो कैसे हुआ है संत पापा के जीवन में, संत पापा के जीवन में। देखिए, संत पापा दक्षिण अमेरिका से आ रहे हैं। यहाँ संत पापा बनने के पहले ये अर्जेंटीना के बुनोस एरस के महाधर्माध्यक्ष रहे, और उस समय उन्होंने वहाँ ये अनुभव किया कलीसिया में। मैंने भी ये देखा जब मैं ब्राज़ील वहाँ विजिटेशन के लिए गया था, हमारे जो एम एम आई सोसाइटीज के जो फादर्स 6-7 मिशन में काम कर रहे हैं, तो मैंने भी ये देखा उन पल्लियों में अलगाववादी बातें, काफ़ी सारे करिश्माई नवीकरण के लोग अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, एक्सक्लूसिविस्ट ग्रुप्स, कावनेंट कम्युनिटीज, फ्रेटर्न कैथलिक फ्रेटर्निटीज और प्रेयर ग्रुप्स, अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग फंक्शन है, और एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। एक पल्ली में इतने सारे गुट एक्सक्लूसिवली एक्सिस्टिंग, वो पल्ली को बिगाड़ दिया, डिवाइड कर दिया। पल्ली जो एक प्रेम का एक विश्वास का समुदाय वो नहीं रहा। ये संत पापा का अनुभव है, और फिर उन्होंने प्रयास किया है इसको हमें ये करना है। तो वहां उन्होंने प्रयास किया उन सब फ्रेटर्निटीज कम्युनिटीज वगैरह वगैरह सब कुछ को एक साथ लाया, उनको एक ढांचे में एक परिवार में बांधा। तो उस अनुभव से, क्योंकि उस समय वो वहाँ कैथलिक करिश्मेटिक रिन्यूअल सर्विसेज अर्जेंटीना का एपिस्कोपल एडवाइजर रहे संत पापा बनने के पहले, उसके बाद वो संत पापा बन रहे हैं। और संत पापा बनने के बाद वो ये बात पूरे इंटरनेशनल कैथलिक करिश्मेटिक रिन्यूअल में ये बात देख रहे हैं, तो उन्होंने उसी को यहां पे कार्यान्वित किया। तो हम लोग जो इक्रस इंटरनेशनल कैथलिक करिश्मेटिक रिन्यूअल सर्विसेज, और उसके बाद कैथलिक फ्रेटर्निटीज, हजारों अलग अलग ग्रुप्स उसमें है, अलग अलग नाम पर, सोड ऑफ द स्पिरिट, वो है, ये है, फलाना डिमकाना, वो अलग अलग, उनका अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, और फिर प्रेयर ग्रुप्स, कावनेंट कम्युनिटीज, तो इस तरीके से बंटा हुआ है। और रीजनल स्तर पर भी हिस्पैनिक ग्रुप्स अलग से, अमेरिकन्स अलग से, आफ्रो अमेरिकन्स अलग से, और यूरोपियंस अलग से, ये सब हुआ है। संत पापा ये सबको देखते हुए उन्होंने कहा नहीं, ये सबको एक साथ लाना है। हम लोगों की बैठक हर साल रोम में होता था, इंटरनेशनल कैथलिक करिश्मेटिक रिन्यूअल सर्विसेज, मैं उसका सदस्य था, तो हर साल मैं उस बैठक में जाता था। हम एक कमरे में हमारे जो सदस्य बैठकर मीटिंग करते थे, अन्य कावनन कम्युनिटीज अलग अलग जगह पर करते थे, ये कॉमन सेशन के लिए एक साथ आते थे। तो संत पापा ने हमारे अंदर डाला, आप लोग विचार करो ये सब ये करना है, संयुक्तता में आना है। तो हमने शुरू में ये कहा, संत पापा ये तो सही चल रहा है, आप क्यों ये कर रहे हो? कई लोग इसके खिलाफ थे। करीब 10 साल हुए संत पापा की इस प्रक्रिया में। उसके बाद उन्होंने द कमीशन फॉर द डिकैस्ट्री फॉर लेइटी फैमिली एंड लाइफ, वहां के कार्डिनल को ये अधिकार दिया और उनसे कहा इक्रस को खारिज करो, कैंसिल करो, कावनन कम्युनिटीज कैंसिल करो, सब कुछ को कैंसिल करो, कैरिस को बनाओ। कैरिस, कैरिस मैंने करंट ऑफ ग्रेस, कैथलिक करिश्मेटिक इंटरनेशनल सर्विसेस रिन्यूअल सर्विसेस, और उसको ये किया उन्होंने कैरिस। अभी कैरिस के अंडर ये सब एक साथ कार्य करना है, इस तरीके से उन्होंने किया है।
और कैरिस में हमारे भारत में से एक सदस्य हैं भाई सिरिल जॉन, अलग अलग देशों से उसमें सदस्य लिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने जब इसको किया उन्होंने, उसके बाद तुरंत वो ये चार करने लगे पूरे सर्वत्र कलीसिया में ये बात को लाना है। और इस तरीके से वे यहाँ ये जो सिनेडल प्रोसेस के द्वारा पूरे कलीसिया में इस एकता को लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। तो ये संत पापा के जीवन में हम इन बातों को देखते हैं। और जैसे संत पापा बने, जब संत पापा नियुक्त हुए तो उन्होंने तुरंत जो वेटिकन पैलेस में संत पापा के जो पैलेस है वहाँ संत पापा लोग रहते थे उस समय तक। संत पापा बेनेडिक्ट भी वहीं रहते थे और वहाँ से उनको ये बताया गया था आपको वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये सब करना। वो लोग एक तरह से पिंजरे में बंधे हुए पक्षी की समान थे संत पापा। संत पापा यौहन 23 के समय कुछ वो लोग बाहर के लोगों से मिलते थे, नहीं तो वो नहीं मिलते थे ऐसा। संत यौहन पौलुस द्वितीय वो सब जगह पहुंचने लगे। सबसे पहले भारत में संत पापा पौलुस छठे आए थे द्वितीय वेटिकन महासभा के बाद। ये कहा गया है संत पापा यौहन 23वें के किताब में बड़े सुंदर रूप से। वो पैलेस में रहते रहते परेशान होते थे, वो एक हंसी मजाक के संत पापा थे, लोगों से मिलनसार थे, लोगों से मिलना चाहते थे। तो ये कहा गया है कभी कभी दोपहर के समय जब सब कार्डिनल आराम करते हैं वो चुपके से पैलेस से बाहर आकर वेटिकन गार्डन्स में जो नौकर काम करते हैं उनके साथ उनके पास आकर बैठ कर उनसे बातें करते थे। यदि कोई कार्डिनल दिख गया चुपचाप से अपने पैलेस में चले जाते थे। तो ये परिस्थिति थी। और संत पापा फ्रांसिस ये सब देखते हुए संत पापा नियुक्त होते ही उन्होंने डोमस सांते मार्गते एक बिल्डिंग है जहाँ हम लोग धर्माध्यक्षगण आदलिमरा विशिष्ट के लिए जाते हैं, हम लोगों को वहाँ ठहराया जाता है उन कमरों में। और उन कमरों में से एक कमरे को संत पापा लेकर वहाँ रहने लगे, अभी वहाँ रहते हैं। वहाँ से वो जाते थे मीटिंग वगैरह के लिए। तो उन्होंने ये निर्णय लिया ताकि वो सबके साथ रहें, सबको देखें, सबसे बातें करें, सबकी सुने, सबसे बोलें। ये सिनेडल यात्रा उनके जीवन में हम देख रहे हैं संत पापा फ्रांसिस के। और फिर हम ये भी देखते हैं जैसे वो संत पापा बने अकेला सब कुछ करना नहीं चाहते थे, उन्होंने एक सलाह समिति बनाया कार्डिनल्स का, और उसमें हमारे बॉम्बे के कार्डिनल ओस्वाल्ड ग्रेशियस वो भी उसका एक सदस्य है। अलग अलग जगह से कार्डिनल सदस्य सलाह समिति कार्डिनल्स के लेकर जो भी वो निर्णय लेते हैं उनको बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करके वो ये करते हैं। तो ये उनके अपने जीवन में अपने जीवन शैली में वो सिनेडल बातों को उन्होंने लाया है। और फिर पोप फ्रांसिस उनका जो जीवन शैली नेतृत्व का शैली भी एक सिनेडल है। एपिस्कोपालिस कम्युनियो उनके जो एपिस्कोपालिस कम्युनियो जो सितंबर 15, 2018 में उन्होंने लिखा है द सिनर्ड ऑफ बिशप्स मस्ट इंक्रीजिंगली बिकम ए प्रिविलेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिसनिंग टू द पीपल ऑफ गॉड। For the Synod Fathers, we ask the Holy Spirit, first of all, for the gift of listening, to listen to God, that with Him we may hear the cry of the people, to listen to the people until breathing in the desire to which God calls us. So, ye Sant Papa ne ye ghoshit kiya hai. People of God, hamare beech mein bhi ye bhavana aana chahiye. Kabhi-kabhi आप लोगों ने नोट किया होगा संबोधित करते हैं, जैसे एक क्राउड है अंग्रेजी में जब हम संबोधित करते हैं डियर बिशप, डियर फादर्स, डियर ब्रदर्स, डियर सिस्टर्स, डियर फेथफुल बोलते नहीं है, डियर फेथफुल धर्माध्यक्षगण, पुरोहितगण, धर्म भाई बहन और विश्वासीगण बोलते नहीं है। तो जो लोकधर्मी है वो फेथफुल है, जो लोकधर्मी है वो विश्वासी है। मेरा क्या होगा कि मैं विश्वासी नहीं हूं, मैं फेथफुल नहीं हूं।
ना ये जो संबोधित करने का तरीका भी ये भेदभाव को प्रकट करता है. वी आर ऑल पीपल ऑफ गॉड, यही संत पापा फ्रांसिस कहते हैं. वी आर ऑल पीपल ऑफ गॉड. और उसमें अलग अलग ऑफिस दिया गया है, मैं उसको आपको बताऊंगा जब हम वो प्रश्न उत्तर का जो चर्चा करेंगे. अलग अलग रोल दिया गया है. तो इसलिए वी आर ऑल पीपल ऑफ गॉड, वो बात वो विचार हमारे मन में आना चाहिए. उन्होंने एवांजेलिक गौडियम 2013 में एवांजेलिक गौडियम उन्होंने हमें ये बताया उसमें कि हम लोग मिशनरी डिसाइपल्स हैं. मैंने उसको अच्छी तरह आप लोगों को समझाया था मिशनरी डिसाइपल कौन है ना. वो उन्होंने एवांजेलिक गौडियम में इसे बड़े सुंदर रूप से बताया. इसलिए हमें सब जगह जाना है, सबको सर्वत्र सुसमाचार प्रचार करना है. जीसस क्राइस्ट इज द फेस ऑफ गॉड्स मर्सी. मिसेरिकॉर्डिए वुल्तुस नंबर 1 में वो ये बताते हैं. और फिर सब कार्य में संत पापा ने इसको प्रकट किया है. वर्ष 2015 में संत पापा जो गॉड्स कोमोस ईश्वर की सृष्टि है उसको देखते हुए, उसकी बुरी दशा को देखते हुए, उन्होंने लौदातो सी है ना, लौदातो सी डॉक्यूमेंट किया दिया है. और उसमें वो कहते हैं ये हमारा कॉमन होम. वो शब्द जो प्रयोग करते हैं, कॉमन होम, हम सबका घर, कॉमन होम, ये दुनिया कॉमन होम है हमारा. सबका योगदान होना चाहिए, सबके सहभागिता होना चाहिए इस घर को घर लायक बनाने में, प्रदूषण को हटाने में. तो इस तरीके से इस सब बातों में अमोरिस लतीसिया, द जॉय ऑफ लव, परिवार के बारे में, परिवार में, ये परिवार में जो संयुक्तता, पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता, एक साथ जीने का, सहभागिता में जीने का, ये नहीं है तू क्या बकबक करती है, तू क्या मालूम है, तो औरत जात है, चल चुप रह, हम डिसाइड करेंगे. वो सहयात्री कलीसिया के व्यवहार नहीं है. अमोरिस लतीसिया में इन सब बातों को विचार विस्तार रूप से बताया गया है. सबकी सहभागिता, कैसे सहभाग होना चाहिए, तो अमोरिस लतीसिया उसमें उन्होंने ये किया है. फिर उसके बाद गौदते थे एक्सुलताते, बड़े सुंदर रूप से. कुछ समय तक लोग क्या सोचते थे, हम तो दुनियादारी है, परिवार वाले हैं, झंझट में फंसे हैं, पवित्र बनने का कार्य तो सिर्फ धर्माध्यक्ष फादर सिस्टर लोगों का कार्य है, उनको पवित्र बनने दो, हमें पवित्र नहीं बनना है, हम तो इसमें दुनियादारी में डूबे हुए हैं. संत पापा ने कहा नहीं, हर बपतिस्मा पाया हुआ क्रिश्चिय पवित्र होना है. वो पवित्रता के लिए बुलाया गया है. उसका पहचान यानी आईडी, आइडेंटिटी ऑफ एवरी क्रिश्चियन इज नॉट क्रॉस, इज होलीनेस. अब ईसाई कैसे बनते हो, बपतिस्मा के द्वारा. बपतिस्मा में सबसे पहले क्या किया जाता है, आपके आदि पाप और अन्य पाप सब मिटाया जाता है, आपको पवित्र किया जाता है सबसे पहले. तो पवित्रता आपकी असलियत है. एक ईसाई की असलियत पवित्र है, पवित्रता है. यदि कोई पवित्र नहीं है, बुराई में फंसा हुआ है, वो ईसाई नहीं है, ये मसीह का शरीर नहीं है. तो संत पापा इस बात को गहराई से समझाते हैं. तो इसलिए उन्होंने कहा वो गौदते थे एक्सुलताते, उस पत्र के द्वारा उस पूरे मनुष्य जाति को पवित्र बनने के लिए बुलाते हैं. सरल तरीके से कैसे हम पवित्र रह सकते हैं उसको वो समझाते हैं उस बात में. तो इसलिए इस तरीके से इन बातों के द्वारा संत पापा जो कलीसिया में जो सभी सदस्य हैं उनके महत्व, सबके सब पवित्र बनना है इस तरीके से. फिर उन्होंने युवा भाई बहनों की योगदान, युवा भाई बहनों को भी ऐसा होना चाहिए, तो वो क्रिस्तुस विवित के द्वारा इस तरीके से बहुत सारी बातें हम देखते हैं जिसके जरिए से संत पापा ये सिनेडल जो यात्रा है उसको हमें समझा रहे हैं. तो ये कुछ कारण, ये सब मैंने आप लोगों को समझाया था.